हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। माय नेम इज प्रतीक नायक एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द लार्जेस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन। नमस्कार दोस्तों, मेरे सभी विद्यार्थी मित्र, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी की चैनल के ऊपर। और हम लोग पिछले क्लास के अंदर एनसीईआरटी की जो सीरीज शुरू की थी स्टैंडर्ड ट्वेल्थ की, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, और खास करके मैंने आपको एंशिएंट इंडिया के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ाया था, उसी को ही आज के क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। एज ऑलवेज हम पहले इनफैक्ट थोड़ा 5-1 मिनट रिवीजन करते हैं। आपको भी पता है पिछले 3 क्लासेस के अंदर मेरी पीडेगोगी जो है उसके अंदर मैं रिवीजन को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, क्योंकि जब भी आप नया क्लास शुरू करो, इवन आप डेली भी कर रहे हो, 5 मिनट थोड़ी डिस्कशन करोगे तो आपका पिक्चर क्लियर होगा और आपको ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आएगी सर। ठीक है, तो पिछले क्लास को अगर हम लोग याद करते हैं, वी आर ट्राइंग टू रिकॉल द प्रीवियस क्लास, हमने शुरू की थी द क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्ट्री से सर, है ना। तो हमने क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्ट्री से इनफैक्ट टॉपिक पढ़ना शुरू किया था, और मैंने क्रोनोलॉजी के अंतर्गत आप याद करिए कि अभी तो खाली एक ही टॉपिक पढ़ा है, वो है एक तो स्टोन एज का हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था, और स्टोन एज को हम लोग क्या कहते हैं, प्री हिस्ट्रिक इंडिया के रूप में पहचानते हैं। प्री हिस्ट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है, राइट। उसके बाद हमने समझने की कोशिश की थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत इंडस वैली की कहानी क्या है, और इनफैक्ट मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हिस्ट्री के अंदर किसके नाम से पहचाना गया है। सो इट हैज़ बिन हाईलाइटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटो हिस्ट्री सर, है ना। तो इसको प्रोटो हिस्ट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि हिस्ट्री के पार्शियल सोर्सेज अवेलेबल है, खास करके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यहाँ पे हमारे पास काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर अवेलेबल हो जाते हैं, बट वी डू नॉट गेट एनी काइंड ऑफ लिटररी सोर्सेज। हमारे पास कोई लिटररी सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, इसके कारण हम लोग इसको लिटररी सोर्सेज के अंतर्गत नहीं कंसिडर करते सर। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे, 2600 BC के आसपास इसका ओरिजिन हुआ, हमने पिछले क्लास के अंदर डिस्कस किया था, यहाँ जीरो आता है, और आज हम लोग 2021 में हैं, तो इसे हम लोग कॉमन एरा के रूप में पहचानेंगे, इसे बिफोर कॉमन एरा के रूप में हम लोग हाईलाइट करते हैं। उसके बाद हमने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कराया हुआ है, और जब आप पिछले क्लास को याद करोगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत हमने कौन से टॉपिक्स को डिस्कस किया था, प्लीज़ ट्राई टू रिकॉल ऑल दिस टॉपिक्स, है ना। तो हमने आपको बताया था कि सिविलाइजेशन वर्सेस कल्चर का अंतर क्या है, आप याद करिए पिछले क्लासेस को, जो पहला क्लास था उसके अंदर इसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने आपको इसका नाम बताया था सर, वाई द नेम इंडस सर, है ना, इसका नाम क्यों इंडस रखा गया है। खैर, इसका नाम इंडस की जगह आजकल हड़प्पन सिविलाइजेशन के रूप में भी पहचानते हैं, और शायद हो सकता है कि भविष्य के अंदर इसका नोमेनक्लेचर बदल के सरस्वती रिवर सिविलाइजेशन के रूप में भी शायद पहचाना जाए सर। आपने अभी देखा होगा रिसेंटली, ऐसा कहा गया है, रिसेंटली एक नई डिस्कवरी हुई है साइंटिफिक स्टडीज़ के अंतर्गत कि जो सरस्वती नदी है वो करीबन 14th century, मतलब आज से 600-700 साल पहले तक पानी उसके अंदर रहा करता था। वाटर वॉज अवेलेबल इन द सरस्वती रिवर इवन आफ्टर बिफोर सो मेनी ईयर्स, मतलब है ना, ऐसा क्या है, बहुत लोगों का मानना है कि सरस्वती रिवर तो ऑलमोस्ट सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ही लुप्त हो गई थी या वैदिक काल के बाद लुप्त हो गई थी, पर आज की तारीख में भी रिसेंट डिस्कवरी हुई है कि 1400 CE तक, मतलब आज से करीबन 600-700 साल के बीच का पीरियड है, वहाँ पर सरस्वती नदी एग्जिस्ट किया करती है अभी रिसेंटली है, और हरियाणा सरकार इसको लेकर काफ़ी सारा रिसर्च भी करवा रही है। ठीक है ना, तो इसको करंट के अंदर आप लिंकअप करके देखेगा, प्लीज ट्राई टू सी द करंट अफेयर्स एंड करंट सेंट्री का आप चलोगे तो आपको ज्यादा आइडिया रहेगा कि क्या क्या चीजें यहां से पूछी जा सकती है सर। ठीक है, तो लास्ट में करवा दूंगा कि कुछ नई डिस्कवरीज हुई है, कुछ नए इंटरप्रिटेशन आए हिस्ट्री के अंदर, तो वो भी कवर कर देंगे सर। ठीक है, उसके सिवाय हमने पिछले क्लास के अंदर समझने की कोशिश की थी कि सिविलाइजेशन और कल्चर वाई द नेम इंडस हड़प्पन सरस्वती, इनफैक्ट इसके साथ साथ तीसरा पॉइंट जब हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं, व्हेन वी स्टडी द थर्ड पॉइंट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, तो हमने पढ़ने की ये भी कोशिश की थी कि इसकी ओरिजिन कैसे हुई है सर। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि इसके अंदर डिस्कवरी कैसे की जाती है, डिस्कवरी के अंतर्गत किस तरह से ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट इनिशियली इसको नकारते हैं, उसके बाद और आगे चल देंगे। ओरिजिन में हमने देखा था कि ये 4 फेजेस के अंदर होता है, और 4 फेजेस के अंदर प्री हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन और लेट हड़प्पन, इनफैक्ट वो भी हमने चर्चा की थी पिछला क्लास। अगर आप याद करने की कोशिश करिए तो मैंने यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर के ऊपर भी डिस्कस किया है, और मैंने आपको बताया था कि फूड एंड एग्रीकल्चर के अंतर्गत इंडस सिविलाइजेशन की खासियत क्या है, कि ये लोग खाना किस तरह से खाते थे, अपना जीवन को किस तरह से चलाते थे। वी हैड ऑल्सो डिस्कस इन द प्रीवियस सेशन, इफ़ यू आर एबल टू रिकॉल, इज दैट वी हैड डिस्कस अबाउट द प्लानिंग फीचर्स, है ना। तो आप याद करिए कि मैंने आपको प्लानिंग के फीचर्स भी पढ़ा दिए थे सर, है ना, और ये सभ्यता को क्यों प्लान्ड सेटलमेंट के रूप में बोला गया है सर। ठीक है ना, इसको क्यों अर्बन रिवॉल्यूशन के रूप में पहचानते हैं सर। ठीक है,
ये एक अर्बन रिवॉल्यूशन है, भारत में सबसे पहली शहरी क्रांति है, नगरीय क्रांति के रूप में इसको क्यों पहचानते हैं, उसके पीछे का कारण ये प्लानिंग फीचर्स बहुत बड़े प्रोमिनेंटली उभर के आए हैं सर। ठीक है, ये प्लानिंग फीचर्स के अंदर भी मैंने खास करके वाटर मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा आपको बाहर दिया था, और हड़प्पीय सभ्यता के लोग किस तरह से फ्रेश वाटर से लेके उनके पास जो भी नेचुरली अवेलेबल रिसोर्सेज थे उसका किस तरह से उपयोग करते हैं सर। ठीक है, तो आज के क्लास के अंदर हम लोग चलने वाले हैं, इन टुडेज क्लास विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस सोसाइटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन सर। ठीक है ना, तो कुछ कुछ प्लानिंग का मॉडल अभी हमारा थोड़ा डिस्कशन बाकी रह गया, उसके ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। प्लानिंग मॉडल के अंतर्गत खास करके सिटाडेल का इंपॉर्टेंस क्या है वो हम लोग थोड़ा बहुत देख लेंगे, और अदर पॉइंट्स जो हाउसिंग आर्किटेक्चर है, इनका घर कैसे बनता था सर, ठीक है, उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे सर। ठीक है, उसके सिवाय इन टुडेस क्लास विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सोसाइटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये लोग किस तरह से सामाजिक रचना रखते थे, सोसाइटी होती थी कि नहीं होती थी, सोसाइटी के अंतर्गत इनफैक्ट बहुत सारे जटिल प्रश्न है, क्या इनके सोसाइटी में भी हमको हायरार्की के बारे में पता चलता है, डू वी गेट एविडेंसेज ऑफ एनी काइंड ऑफ हायरार्की, मतलब कोई ऊपर क्लास का है कोई नीचे क्लास का है, वो भी बहुत सारे जटिल प्रश्न है, इनफैक्ट हम लोग इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, और हमारे पास कैसे कैसे एविडेंसेज आज की तारीख में अवेलेबल है जिनके बेसिस के ऊपर से हम लोग कह सकते हैं कि इनके पास अभी सोशल डिविजन्स करने की भी बहुत सारी इनफैक्ट बेसिस बन गए हैं सर। ठीक है ना, तो लेट्स प्रोसीड द क्लास टुडे, बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, मेरी अन अकेडमी की प्लस के प्लेटफॉर्म के ऊपर हिस्ट्री ऑप्शनल की नई बैच शुरू हो रही है, आई एम स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट 10 डेज अ बैच ऑन हिस्ट्री ऑप्शनल, है ना। इतिहास में आपको बहुत ही जटिल प्रश्न आते हैं, और आप में से जितने भी स्टूडेंट्स जो ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं, दो स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली प्लानिंग एंड प्रिपेरिंग फॉर द ऑप्शनल क्लासेस, यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस फॉर द हिस्ट्री ऑप्शनल बैच, वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली डन आपको मिलेगा, इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे आपको पढ़ाते हैं, मैं भी यहाँ पे आपको अनके प्लस के ऊपर पढ़ाता हूँ, साथों साथ यूट्यूब के ऊपर अगर आपको कोई इनक्यूरेसी दिख रही है तो कमेंट सेक्शन में क्लिक करिए, और आपको यहाँ पे रिवॉर्ड भी मिलेगा टीम की तरफ से, यहाँ पे अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 30 तारीख तक अवेलेबल था, अब लेट्स सी कि प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज़ आपको फ्यूचर में मिलती है कि नहीं मिलती है, कॉम्बो पैकेज भी अवेलेबल किया गया था बीच में सर। ठीक है, आपको आइकॉनिक बैच की अवेलेबिलिटी आज की तारीख में भी अवेलेबल है, तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी प्लान सर कर सकते हो, GS या आइकॉनिक कोई भी आप प्लस या आइकॉनिक कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन लेते समय एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, वो है आपको डिस्काउंट कोड यूज़ करना है PNLive, है ना, तो प्लीज़ यूज़ दिस डिस्काउंट कोड PNLive, ये PNLive डिस्काउंट कोड यूज़ करने से आपको 10% ऑफ मिल जाएगा सर। ठीक है ना, तो आप जब भी आइकॉनिक लो जहाँ पे आपको पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगा, मेंटरशिप मिल जाएगी, डेडिकेटेड आपको एक टीचर मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे, मैं तो रहूँगा ही आपके साथ, है ना, आई विल बी अवेलेबल विथ यू थ्रू आउट योर प्रिपरेशन फेज, बट इसके अलावा भी आपको अगर और भी हेल्प चाहिए होती है, डेली आंसर राइटिंग के अंदर कोई इशू आ रहा है तो उन सब में आपको बहुत हेल्प मिलेगी सर, है ना। उसके सिवाय आप ऑप्शनल का अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, मैं तो कहूँगा कि GS ऑप्शनल दोनों का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। हमारी नई बैचेज शुरू हो रही है, 30 तारीख से हो गई है, मतलब और भी अब नई नई बैचेस आती रहेगी, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप देखोगे तो यहाँ पे GS के लिए है, करंट अफेयर्स के लिए है, आप उसको अटेंड करिए, एंड कॉम्बैट एवरी संडे, है ना। तो कॉम्बैट में आपको पता है 60 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर अटेंड करना होते हैं, एंड इफ यू आर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन कॉम्बैट अन अकेडमी की तरफ से ही आपको सब्सक्रिप्शन का वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं, स्कॉलरशिप मिल जाएगी सर, है ना। टोटल 4 करोड़ रुपीज़ की स्कॉलरशिप अवेलेबल है, ठीक है, इट्स ए ह्यूज अमाउंट, है ना, तो आप उसको भी प्लान कर सकते हो। खैर, ये तो मोटी मोटी बातें थी, हम लोग बात कर रहे थे आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, अब चले जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत और समझने की कोशिश करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमने जो पिछले क्लास के अंदर टॉपिक डिस्कस किया था उसमें मोहनजोदड़ो को बहुत डिटेल के अंदर पढ़ा था, और मैंने इसके प्लानिंग के फीचर्स डिस्कस करवा दिए थे सर। ठीक है ना, तो आप याद करिए प्लानिंग के फीचर्स के अंदर, तो उसमें हमने आपको पढ़ाया था डिवीजन ऑफ टाउन्स, याद आया सर? ठीक है, डिवीजन ऑफ टाउन इंटू 2 पार्ट्स, है ना, 2 पार्ट्स के अंदर आपके शहर को पूरी तरह से डिवाइड करना सर, ये सबसे पहला आपका डिवीजन था सर। ठीक है, उसके सिवाय अगर आप समझने की कोशिश करिए, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेकेंड पॉइंट ऑफ द प्लानिंग फीचर्स ओवर हियर, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो ग्रिड प्लानिंग है वो ग्रिड लेआउट भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था सर। ठीक है, इसके साथ साथ आप पिछले क्लास को याद करोगे तो हमने आपको इसके बारे में ये भी बताया था कि हड़प्पीय सभ्यता के अंतर्गत जो ड्रेनेज लेआउट है सर, है ना, जो ड्रेनेज लाइन्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी सर। ठीक है, हमने आपको लेबर के बारे में भी बताया था कि किस तरह से लेबर अवेलेबिलिटी की जाती है सर, है ना, हमने आपको इसके अंदर ब्रिक्स की भी बात की थी और ब्रिक्स की डिज़ाइन के बारे में भी बताया था,
और इसके मास प्रोडक्शन के ऊपर भी मैंने आपको बात किया था, क्योंकि मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था और अभी भी इनफैक्ट वही क्लियर करवा रहा हूँ कि कोई भी चीज़ का जब बड़ी मात्रा के अंदर आप प्रोडक्शन करते हो तो उसके पीछे एक पॉलिटिकल फोर्स होनी चाहिए। ये आपका ऐसा अर्थव्यवस्था होना चाहिए कि जहाँ आप कुछ चीज़ों को बड़ी मात्रा के अंदर प्रोड्यूस कर पाओ सर, ठीक है। हड़प्पीय सभ्यता के अंदर हमको एक चीज़ बहुत क्लियर कट मिल रही है कि यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो रहने वाले निवासी थे, उनके पास बहुत सारे इनफैक्ट एविडेंसेस थे जिनके बेसिस के ऊपर से ये लोग अपना जो जीवन है बहुत अच्छी तरह से और बहुत मास प्रोडक्शन करते थे सर, ठीक है। अब ये हमने पिछले क्लास के अंदर ऑलरेडी देख लिए, इनकी खाने की टेक्निक क्या हुआ करती थी, ये खेती किस तरह से करते थे, ऑल दिस पॉइंट्स वी हैव कवर्ड अप इन द प्रीवियस टू सेशंस, है ना। पिछले दो क्लासेस के अंदर हमने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट पार्ट, हम लोग वो पार्ट के अंदर नहीं जा रहे। आज मैं आपको जहाँ पे लेके जा रहा हूँ सर, ठीक है, वो है रिगार्डिंग दी फर्दर, एंड दी फर्दर पार्ट इज़ दी सिटाडेल पार्ट, है ना। सिटाडेल पार्ट का मतलब है कि इनके शहरों के अंदर एक बहुत ही प्रोमिनेंट लाक्षणिकता रहती थी, वो थी सिटाडेल की लाक्षणिकता। अब देखो सिटाडेल क्या है बाय द वे सर, ठीक है, और ये सिटाडेल का महत्व क्या है, ये हड़प्पीय सभ्यता के अंतर्गत सिटाडेल क्यों बनवाए गए थे, पहला प्रश्न तो ये आना चाहिए। दूसरा, इनके प्लानिंग के अंदर आपको हाउसिंग फीचर्स दिखेंगे। हाउसिंग फीचर्स का मतलब है इनके घर कैसे बनते हैं सर, ठीक है। अब इनके घरों को अब हम लोग समझते हैं व्हेन वी ट्राई टू सी, जब हमारे पास जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिला है, ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ये कह रहा है कि इनके द्वारा बनाए गए घर, द हाउसेज दैट वर बिल्ट बाय दिस पीपल वर वेरी डन इन एन इंटरेस्टिंग वे, मतलब इनफैक्ट उसकी एक फिक्स पेक्यूलर डिज़ाइन हुआ करती थी। तो हाउसिंग के अंदर भी हम लोग ये कह सकते हैं कि इनके अंदर प्लानिंग हुआ करता था, राइट सर, ठीक है। इवन इन द हाउसिंग पार्ट वी कैन अज्यूम दैट दे वर हैविंग सम काइंड ऑफ प्लानिंग फीचर्स ओवर देयर सर, ठीक है। तो याद रखेगा कि हड़प्पीय सभ्यता या सैंधव सभ्यता जिसे हम लोग पहचानते हैं सर, ठीक है, उसकी डिस्कवरी को लेके क्या हुआ, उसको लेके ओरिजिन कैसे हुई है, वो सब पॉइंट्स मैंने आपको पिछले क्लासेस के अंदर ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, सो आई एम नॉट गोइंग ऑन दैट पार्ट, हम लोग उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं। मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनके यहाँ पे जब डेवलपमेंट हो रहा है चीज़ों का और उसके अंतर्गत प्लानिंग का किस तरह से महत्व है, प्लानिंग की प्रासंगिकता क्या है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर देते हैं सर, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले क्लास में इसकी ब्रिक्स के बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से ड्रेनेज लाइंस को इन्होंने लेआउट किया था, वो सब पॉइंट्स को पढ़ा दिया है, सो आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दैट पॉइंट्स, ओके, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल। अब आगे चले जाते हैं कि इनके घरों की डिज़ाइन कैसी हुआ करती थी सर, ठीक है ना। अब आप याद करिए कि पिछला क्लास हमने प्लानिंग के अंदर पढ़ने की कोशिश की थी और प्लानिंग के अंतर्गत एक जो पॉइंट बाकी रह गया था वो था इनकी हाउसिंग डिज़ाइन सर, ठीक है, इनका डोमेस्टिक आर्किटेक्चर कैसे हुआ करता था। अब देखिए, कोई भी सभ्यता को हम लोग सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, वाई वी कॉल्ड इट एज सिविलाइजेशन सर, ठीक है। सिविलाइजेशन का मतलब क्या है कि एक ऐसी सभ्यता जो सिविलाइज थी, सिविलाइज का मतलब समझ में आ रहा है सर, ठीक है, मतलब उनके अंदर कुछ कुछ चीज़ें सिविलियन सेंस के रूप में थी सर। सिविल सेंस समझ में आता है कि नहीं आता आपको, ठीक है, नागरिकों के अंदर कुछ कुछ चीज़ें बोली गई है कि वो जीवन में या व्यक्ति के अंदर, हम किसी किसी को कहते हैं कि ये बहुत सभ्य इंसान है, सभ्य समाज का इंसान है। सभ्य समाज का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय दैट, है ना। सभ्य समाज का मतलब ये होता है कि व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है, द पर्सन हु इज़ डूइंग द वर्क विल ऑलवेज बी, आई वुड से, डूइंग इन अ वेरी राइट वे, विल नॉट हार्म अदर्स एंड विल नॉट बी एक्चुअली क्रिएटिंग अ न्यूसेंस, है ना। कि व्यक्ति जब अपना कार्य कर रहा है वो शांतिप्रिय रूप से किसी को नुकसान करे बिना और अपने हितों की जो भी पूर्ति है वो कर रहा है, तो हम कहते हैं कि ये सभ्य है सर, है ना। किसी को नुकसान नहीं कर रहा है, एनवायरनमेंट को बैलेंस करके चलवा रहा है सर, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर से हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। तो इनको हम लोग क्यों सिविलाइज्ड कहते हैं, इनको सिविलाइज्ड कहते हैं क्योंकि जब इनके घरों को देखा गया है, इनके शहरों को हमने देखा है, इनके पूरी की पूरी हाउसेस की डिज़ाइन को समझा है, तो उसको देख के समझ में आ रहा है कि यार इनके पास कुछ ऐसी टेक्निक हुआ करती थी, सुनिए मेरी बात, इनके पास कुछ ऐसी टेक्निक हुआ करती थी जहाँ ये बहुत शांतिप्रिय रूप से, इनफैक्ट हम लोग कह सकते हैं कि वस्तुओं का निर्माण करते थे, दे यूज टू मैन्युफैक्चर थिंग्स इन अ वेरी, आई वुड से, इंटरेस्टिंग वे। इनफैक्ट वी ऑल्सो कम टू नो कि इनके द्वारा जो भी चीज़ों का निर्माण किया गया था, द थिंग्स दैट वर एक्चुअली डेवलप्ड बाय दिस पीपल सर, ठीक है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे के अंदर इन्होंने हम लोग कह सकते हैं कि उसके डिज़ाइन एलिमेंट को ध्यान में रखा था। अब आप यहाँ पे देखने की कोशिश करिए सर, ठीक है, वी सी दैट ये हड़प्पा का एक सामान्य घर का लेआउट है सर, है ना। ये लेआउट है, लेआउट का मतलब क्या है कि सर ये उसका प्लान है सर, ठीक है, ये उसका प्लान है सर, है ना। इसको टॉप व्यू से आप ऊपर से देखते हो कोई भी घर को, उसका छत निकाल दोगे तो घरों के अंदर इतने सारे कमरे दिखेंगे सर, ठीक है ना। तो आप समझने की कोशिश करिए, आपको यहाँ से एक कमरा का एंट्री जैसा दिख रहा है, यू आर फाइंडिंग
दैट देर इज सम काइंड ऑफ एंट्री गेट ओवर हियर समवेयर ओवर हियर, जो मैं यहाँ पे पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर आप देख पा रहे होंगे सर, ठीक है। दूसरी इंटरेस्टिंग पॉइंट अगर आप समझोगे तो आपको यहाँ पे एक सीढ़ी दिख रही है सर, कैन यू सी द स्टेयर ओवर हियर, आप समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे भी आपको एक सीढ़ी दिख रही है, यू आर फाइंडिंग स्टेयर्स ओवर हियर एज वेल सर, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारे दो पॉइंट्स यहाँ पे डाले गए हैं सर, ठीक है। वी सी दैट वेयर इज द कोर्टयार्ड, वेयर आर द टू स्टेयर केसेज, वॉट इज द एंट्रेंस ऑफ द हाउस लाइक सर, है ना। ये घरों के अंदर कोर्टयार्ड कहाँ पे है, आप बीच में देखोगे तो आपको एक ओपन स्पेस दिख रही है, कैन यू सी द ओपन स्पेस ओवर हियर, ये ओपन स्पेस इनफैक्ट हम लोग कोर्टयार्ड के रूप में पहचानते हैं। आपने पुराने घरों को देखा होगा, गांवों के अंदर आपने घरों को देखा होगा सर, जहाँ पे सामान्यतः इस प्रकार की डिज़ाइन आपको दिखेगी सर, ठीक है। जहाँ पे ये घर है, ये उसका एंट्रेंस है, तो घर के एंट्रेंस के बीचों बीच आपको एक आंगन दिखेगा सर, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक कमरा होगा, यहाँ पे एक कमरा होगा, समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे एक कमरा होगा सर, ठीक है, यहाँ पे एक रूम होगा, एंड दिस माइट बी द सिटिंग एरिया सर, ठीक है। बट वी सी दैट ये बीच में आपको कोर्टयार्ड दिखेगा, कोर्टयार्ड मतलब बेसिकली एक ओपन स्पेस है, ओपन टू स्काई होता है, ओपन टू स्काई मतलब ये खुला रहता है, इसके ऊपर छत नहीं होती है सर, ठीक है। हड़प्पीय सभ्यता के अंदर भी आपको इसी प्रकार के घरों की डिजाइन मिलती हैं। इन द इंडस सिविलाइजेशन वी डू गेट सिटीज विच आर एक्चुअली मेड एंड विच वर द हाउसेज विच वर डिजाइंड इन सच अ वे कि यहाँ पे आपको कोर्टयार्ड का एलिमेंट बहुत ही प्रोमिनेंट वे के अंदर दिखेगा सर, है ना। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि इन लोग ने सस्टेनेबल आर्किटेक्चर प्रैक्टिस किया था। सस्टेनेबल क्यों है सर, ठीक है। कोर्टयार्ड जब आप रखते हो, वैन यू कीप एन ओपन स्पेस विद इन द हाउस, और वो भी ओपन टू स्काई है, इसके ऊपर कोई छत नहीं होगी, या यहाँ पे आप देखोगे समवेयर ओवर हियर सर, ठीक है ना, यहाँ पे आप देखोगे कहीं पे छत नहीं है, तो इससे फ़ायदा किसको होगा सर, ठीक है। अल्टीमेटली इसका फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा कि जो रहने वाले लोग हैं उनको लाइट मिल जाएगी, नेचुरली अवेलेबल सनलाइट सर, ठीक है। तो पहली तो पॉइंट हमको पता चल रही है कि कोर्टयार्ड को अगर आप बीच में रख रहे हो सर, है ना, कोर्टयार्ड को बीच में रख रहे हो, तो हम लोग को पता चलता है कि सनलाइट की अवेलेबिलिटी हो गई सर, और सनलाइट की अवेबिलिटी होने के कारण फ़ायदा क्या हो रहा है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस सर, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस की गई है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे नेचुरल लाइट वेंटिलेशन हो रहा है, और वेंटिलेशन के साथ साथ आपको प्राइवेसी भी मिलेगी सर, क्योंकि ऊपर से तो कोई देखने आएगा नहीं सर, देर इज़ नो वन हु कैन कम ऑन द टॉप एंड सी कि आपके घर के अंदर क्या चल रहा है सर, गेटिंग अपॉन, है ना। तो वी सी प्राइवेसी है, वेंटिलेशन है, और इसी के कारण हमको पता चलता है कि इन्होंने जो आर्किटेक्चर प्रैक्टिस किया है उसमें सस्टेनेबिलिटी लाने की कोशिश की गई है, दे हैव ट्राइड टू इंट्रोड्यूस सस्टेनेबिलिटी इन द आर्किटेक्चरल पार्ट सर, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि हड़प्पीय सभ्यता के अंतर्गत जितने भी घरों की डिज़ाइन हैं, ये घरों की डिज़ाइन सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस करती हैं। दूसरे यहाँ पे हमको हाउसेज के डिज़ाइन के अंदर ब्रिक मटेरियल का फिर से उपयोग दिखेगा। अब आप देखिए कि जब ब्रिक्स का यूज़ किया जा रहा है उसका मतलब क्या है, ब्रिक्स की क्वांटिटी अवेलेबल रहनी चाहिए सर, ठीक है। तो ये तो कंसेप्ट मैंने आपको कल के क्लास के अंदर ऑलरेडी पढ़ा दिया है दोस्तों, कि जब भी आप कोई सभ्यता को देखें, जब भी आप कोई इनफैक्ट है ना सिविलाइजेशन को समझने की कोशिश करें, तो उसमें आपका एक पूरा पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए कि यार जब इनके पास इतने सारे घरों की डिज़ाइन है, इतनी बड़ी बड़ी मॉन्यूमेंट्स इमारतें अवेलेबल है, उसमें ईंटों की इतनी बड़ी मात्रा है, मतलब ईंटों का मैन्युफैक्चरिंग की तो इन्होंने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाई होगी सर, ठीक है। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि ब्रिक मेकिंग की एक इंडस्ट्री चलती थी, ब्रिक मेकिंग की इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री इनके समय पे होगी, जो इनको मदद करती थी इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ब्रिक्स, एंड इवेंचुअली फिर अर्बनाइजेशन और सिटीज़ का जो डेवलपमेंट हुआ वो भी इसी के कारण हो पाया सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इनके डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेगी, इनफैक्ट इनके डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के अंदर आपको बहुत इंटरेस्टिंगली चीज़ें दिखेगी, वो है बाथरूम सर, ठीक है ना। तो हमको पता चलता है कि ये सिविलाइज लोग थे, सिविलाइज लोग इसके लिए थे क्योंकि ये अपना जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, खास करके नहाने धोने की एक्टिविटीज़ है, या आप देखोगे शौच क्रिया में जाना, टॉयलेट जाना सर, ठीक है, तो वो जनरली बाहर नहीं जाया करते थे। दे यूज़ टू आई वुड से प्रैक्टिस दिस हाइजीन कंसेप्ट, जहाँ पे हमको पता चलता है कि इनके घरों के अंदर ही बाथरूम था, इनके घरों के अंदर ही टॉयलेट था, बाथरूम और टॉयलेट दोनों अलग अलग थे सर, ठीक है ना। तो दिस थिंग शोज़ कि दिस सिविलाइजेशन वॉज क्वाइट एडवांस, है ना, इनके पास पानी की अवेबिलिटी अच्छी थी, इसके लिए रनिंग वाटर इनको चाहिए बाथरूम के अंदर। अब रनिंग वाटर कहाँ से आया, तो मैंने आपको पिछले क्लासेस में भी पढ़ाया हुआ था कि भाई बिकॉज इनके शहर जो थे वो नदी किनारे थे, इनके गाँव के अंदर भी कुएँ बनाए गए थे, दे हैड कंस्ट्रक्टेड वेल्स इन देयर हाउसेस, एंड बिकॉज दे हैड कंस्ट्रक्टेड वेल्स इन देयर हाउसेस बहुत सारी चीज़ें इन्होंने डेवलप करके रखी थी, एंड दिस वॉज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन्स वी कम टू नो
एंड वी सी दैट यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हमको मिल जाएगा सर, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट हमको समझ में आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू सी कि क्या क्या इनकी कहानी रहती है एंड किस तरह से इनका डेवलपमेंट होता है आर्किटेक्चर के अंतर्गत सर, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इनफैक्ट मोहनजोदड़ो के अंदर लोअर टाउन है, लोअर टाउन मतलब जो सिटाडेल के सिवाय का विस्तार है, जिसको हमने इनफैक्ट है ना वॉल्ड सेटलमेंट के रूप में बनाया था, प्रोवाइड्स एन एग्जांपल ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स। अब देखिए मोहनजोदड़ो के अंदर क्या मिला है सर, ठीक है। मैनी वर सेंटर्ड अराउंड अ कोर्ट यार्ड, बेसिकली एक कोर्ट यार्ड के आजू बाजू में, विथ रूम्स ऑन ऑल साइड। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले उसकी प्लानिंग बताने की कोशिश की कि ये कोर्ट यार्ड है उसके आजू बाजू में आपको कमरे दिख जाएंगे, यहाँ पे भी ये कोर्ट यार्ड है उसके आजू बाजू में आपको कमरे दिख रहे हैं सर, ठीक है। तो कोर्ट यार्ड वॉज प्रोबेबली द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज सच एज कुकिंग एंड वीविंग, पर्टिकुलर ड्यूरिंग द हॉट एंड द ड्राई वेदर। दिस थिंग शोज कि यहाँ पे इन्होंने घरों की जो डिज़ाइन बनाई है उसमें फैमिली को भी साथ में बिठाने का एक आस्पेक्ट क्रिएट करवाया है सर, ठीक है। क्योंकि जब आप खुला एक विस्तार घर के अंदर ही छोड़ते हो, व्हेन यू ट्राई टू ओपन अप एन एरिया विद इन द हाउस, तो घर की बहुत सारी एक्टिविटीज़ कार्य जो होता है, खास करके जो गृहिणियों का कार्य होता है, गृहिणी मतलब घर की जो वुमेन है बेसिकली, ये कार्य के अंदर इंक्लूडेड होती है, तो वो लोग बहुत सारी कार्य कर सकती है अपने हिसाब से, अपने मैं कहूँगा कि फ्रीडम के हिसाब से सर, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे दिख जाती है। अब दो चीज़ यहाँ पे लिखी गई है सर, एक्टिविटीज सच एज कुकिंग एंड दूसरी लिखी गई है वीविंग। अब आप समझने की कोशिश करिए वीविंग का मतलब क्या है सर, ठीक है। व्हाट डज दिस थिंग शोज, जब हम लोग यहाँ पे वीविंग को देखते हैं तो क्या ये मान सकते हैं कि हड़प्पिया सभ्यता के लोग यहाँ पे कपड़े पहनते होंगे सर? क्या हम लोग ये मान सकते हैं कि इस टाइम के अंदर टेक्सटाइल्स का उत्पादन होने की शुरुआत हो गई थी सर? गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको सर, ठीक है। जब आपको इस प्रकार की लाइन एनसीईआरटी के अंदर लिखी गई है जहाँ पे बोला जा रहा है कि घरों की डिज़ाइन को जब हम लोग अभ्यास करते हैं तो घरों की डिज़ाइन के अंतर्गत हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कुकिंग और वीविंग हो रहा था। पीपल यूज़ टू कुक अराउंड, पीपल यूज़ टू डू मल्टीपल एक्टिविटीज़ इन द क्लॉथ्स एंड टेक्सटाइल्स। तो अगर लोग कुकिंग कर रहे हैं, वीविंग कर रहे हैं सर, वीविंग करने का मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं क्लॉथ के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब टेक्सटाइल्स का है। क्लॉथ के अंतर्गत कौन सा मटेरियल है? तो कॉटन मटेरियल है। याद रखेगा कि द हड़प्पन्स वर द फर्स्ट ऑन दी आई वुड से सिविलाइजेशनल आस्पेक्ट टू प्रोड्यूस कॉटन बेस्ड टेक्सटाइल्स। हड़प्पीय सभ्यता दुनिया की सबसे पहली सभ्यता थी जिसने कॉटन आधारित टेक्सटाइल्स का निर्माण करने की शुरुआत की थी। कपड़े मूलतः जो ऐसे हम लोग कपड़े पहनते हैं आज की तारीख में, वैसे कपड़े पहनने की हम लोग को देखने को मिलेगा, शुरुआत मिलेगी सर, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत बड़ी एक लैंडमार्क थी मेरे हिसाब से इंडस सिविलाइजेशन के अंतर्गत, क्योंकि इनके घरों के अंदर ये लोग वीविंग एक्टिविटीज़ को इनफैक्ट है ना प्रोड्यूस करते थे। मतलब क्या हम लोग कह सकते हैं कि हर एक घर के अंदर किसी ना किसी को वीविंग एक्टिविटी आती होगी, और वीविंग आता होगा मतलब ये है कि देवर एक्सपर्ट टेलर्स, हाँ ये लोग इनफैक्ट वीविंग करते हैं, मतलब ये है कि आगे जाके कपड़े का भी निर्माण करेंगे सर, है ना। वीविंग इज़ द फर्स्ट स्टेज जहाँ धीरे 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 इवेंचुअली कपड़े बुनने के बाद अपने कपड़ों का निर्माण हो जाएगा सर, ठीक है। तो ये सब बेसिस के ऊपर से, बेस्ड ऑन दिस पॉइंट्स, कैन वी कंक्लूड दैट, कैन वी इवेंचुअली मेक अ पॉइंट दैट इनके पास काफ़ी इंटरेस्टिंगली इनफैक्ट है ना टेक्निक हुआ करती थी सर। तो घरों की डिज़ाइन बहुत इंटरेस्टिंगली इन्होंने बनाई है सर, ठीक है। अब ये आप समझने की कोशिश करिए, बहुत इंटरेस्टिंगली इन्होंने घरों के डिज़ाइन के बारे में हमको बताया है। लिखता है एनसीईआरटी कि व्हाट इज सो इंटरेस्टिंग इज एन अपेरेंट कंसर्न फॉर प्राइवेसी, देर आर नो विंडोज ऑन द वॉल्स अलॉन्ग द ग्राउंड लेवल। अब आप समझने की कोशिश करिए कि इनके जो घर थे, ये घरों के अंदर हमको पता चलता है कि विंडोज नहीं हुआ करती थी। अब विंडोज नहीं होने के कारण क्या थे, व्हाट वॉज द रीजन बिहाइंड देर वॉज नो विंडोज? तो एनसीईआरटी लिखता है प्राइवेसी का भी एक इश्यू है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ क्योंकि इनके ज़्यादातर घर जो थे वो मेन रोड के ऊपर थे या कहीं ना कहीं स्ट्रीट के ऊपर थे, गली में थे, है ना, तेरी गली में मेरी गली में सर। तो प्रॉब्लम ये था कि जब ये घर जो गली के ऊपर लोकेटेड है, एक स्ट्रीट के ऊपर लोकेटेड है, तो वहाँ पे कभी कभी हो सकता है कि कोई आना जाना होगा किसी का, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वहाँ से कचरा वचरा उड़ता होगा क्योंकि वेस्ट उड़ता रहता है, ये ड्राई एरिया में हुआ करते थे सर, ठीक है। तो वहाँ पे माइट बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ वेस्ट गेटिंग लाइक नो कमिंग अप इनटू द हाउसेस। तो ये जो घरों के अंदर कचरा वचरा ना उड़े, घरों के अंदर इनफैक्ट हम लोग कह सकते हैं कि जो चीज़ों का निर्माण हो रहा है उसके अंदर प्राइवेसी का भी ध्यान रखा गया है, और ये प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए
इन्होंने घरों के अंदर विंडोज़ नहीं बनाई। अब आपको लगेगा कि सर विंडो नहीं बनाए तो हवा उजास कहाँ से रहेगा, कहाँ से सनलाइट आएगी, कहाँ से हवा पानी थोड़ा बहुत होता रहेगा सर। ठीक है, तो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि भाई घरों को इन्होंने नो डाउट इस तरह से डेवलप किया है, घरों को इन्होंने इस तरह से नो डाउट डेवलप किया है कि यहाँ पे विंडोज़ नहीं होगी, पर बीच में कोर्टयार्ड था, और बिकॉज बीच में कोर्टयार्ड था तो कोर्टयार्ड के ऊपर यहाँ सनलाइट आएगी सर, ऊपर से आप मन की आंखों से देखिए, ऊपर से सनलाइट आएगी। तो सनलाइट आने से फ़ायदा क्या होगा, इवेंचुअली यू विल सी कि यहाँ आपकी हवा पानी चलता रहेगा सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो पहला पॉइंट तो हमको समझ में आ रहा है, सस्टेनेबिलिटी इन आर्किटेक्चर, सस्टेनेबिलिटी एंड वेरी स्मार्ट वे ऑफ डेवलपमेंट ऑफ थिंग्स, है ना। तो चीज़ों को इन्होंने जिस हिसाब से उत्पादन किया है उसे हम लोग कहेंगे कि बहुत ही स्मार्ट वे के अंदर इन्होंने चीज़ों का निर्माण करवाया था, राइट सर। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या क्या चीज़ों का इन्होंने डेवलपमेंट किया है, किस तरह से हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने डिज़ाइन किया है। दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग खासियत आपको देखेगी कि घर का जो एंट्रेंस है ना, घर का जो एंट्रेंस है, इफ़ यू कैन सी दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द हाउस, ठीक है, घर के एंट्रेंस से आपको सीधा कोर्टयार्ड नहीं दिखेगा सर। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हो, ये हाइपोथेटिकली कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हो, तो वो घर के अंदर झांक नहीं पाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है सर। ठीक है, तो इन्होंने घरों की डिज़ाइन ऐसी की है जहाँ घर का इंटरनल एरिया है वो प्राइवेट रहेगा, घर के अंदर आप जो भी कार्य कर रहा हो उसमें किसी बाहर वाला इंसान, मैं कहूँगा कि झांकने की कोशिश ना करे, उसका ध्यान रखा गया है। साथों साथ हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इनके डिज़ाइन एलिमेंट्स के अंतर्गत इन्होंने हमेशा प्राइवेसी को बहुत प्राधान्य दिया है। तो क्या मैं ये मान सकता हूँ बेस्ड ऑन देयर हाउसिंग पैटर्न ऑफ द इंडस पीपल कि भाई इनके द्वारा प्राइवेसी को बहुत ही प्राधान्य दिया जाता होगा? ये इंडिविजुअल राइट्स ओरिएंटेड हम लोग कह सकते हैं कि एक पॉपुलेशन है, राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने वाले लोग होंगे सर। ठीक है, खैर राइट टू प्राइवेसी तो अभी आया है, पर मोटे मोटे तौर के ऊपर कहने की मेरी बात यही है कि आप जब इंडस सिविलाइजेशन को देख रहे हो और आपके पास जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस उभर के आ रहे हैं आज की तारीख के अंदर, वो एविडेंसेस के बेसिस के ऊपर आपको हाउसिंग पैटर्न के बारे में भी आइडिया रहना चाहिए कि इनके घरों की डिज़ाइन किस तरह से हुआ करती थी, और इनके घरों के अंतर्गत इनफैक्ट इन्होंने जो मेन डोर बनाया था, ये मेन डोर ऐसे बनाया था कि जो आपको घर के इंटीरियर का या घर के कोर्टयार्ड के अंतर्गत कहीं पर भी डायरेक्ट एक्सेस ना दे सर। ठीक है, इनफैक्ट इनके घर ऐसे हुआ करते थे जहाँ इनका घर का जो रास्ता है या दरवाज़ा है वो हमेशा मेन डोर से साइड में खुलेगा। मतलब आप पकड़ने की कोशिश करिए कि ये आपकी ग्रिड प्लानिंग है और ये आपके रास्ते जा रहे हैं सर। ठीक है, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने घर बनाया है, देर इज़ अ हाउस ओवर हियर, तो हाउस की जो एंट्री होगी वो नो ये दरवाजे के ऊपर नहीं होगी, यहाँ पे भी नहीं होगी, हाउस की एंट्री ये लोग यहाँ पे करेंगे अंदर की गली में सर। ठीक है ना, सो दे विल मेक श्योर दैट ये एक रोड जा रहा है, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज रोड R1 और ये रोड है R2, एक रास्ता यूँ जा रहा है, ये घर कॉर्नर का घर है, इसको दोनों साइड के ऊपर एक्सेस मिल रहा है, यहाँ पे भी रास्ता बना सकता है, यहाँ पे भी मतलब दरवाज़ा बना सकता है। तो यहाँ के जो घर बने हैं उसके अंदर आपको दिखेगा कि द एंट्रेंस इज नॉट फेसिंग द मेन रोड, याद रखेगा एंट्रेंस इज नॉट फेसिंग द मेन रोड। मतलब ये है कि ये लोग इनफैक्ट प्राइवेसी को ज़्यादा प्राधान्य देते थे, रोड के ऊपर ट्रैफिक का भी एक प्रश्न रहता होगा, दूसरा डस्ट का भी एक प्रश्न रहता होगा, डस्ट का मतलब है बेसिकली कचरा वचरा उड़ता होगा, एंड दिस माइट बी वन ऑफ द प्राइमरी रीजन कि इन्होंने घर की जो एंट्रेंस है वो अंदर की साइड में बनाई, घर की एंट्रेंस तो अंदर की साइड में बनाई, घर के अंदर जो कोर्टयार्ड बनवाने की कोशिश की गई है वो कोर्टयार्ड के डिज़ाइन भी ऐसे की गई है कि अंदर की जो एरिया है वहाँ कोई बाहर वाला इंसान झांक ना पाए सर। ठीक है, तो बहुत कैटेगोरिकली और बहुत इंटरेस्टिंगली इन्होंने इस प्रकार के कोर्टयार्ड का निर्माण किया है। ये कोर्टयार्ड का निर्माण इनफैक्ट करने के पीछे का कारण आप समझने की कोशिश करो, बहुत इंटरेस्टिंगली हमको जानकारी देता है। और जब हम लोग इनके घरों को और डिटेल में देखते हैं तो आपको बहुत इंटरेस्टिंगली एक छोटा सा कमरा दिखेगा जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा है कि घर के अंदर ही कुआं देखने को मिल रहा है सर। ठीक है, एंड दिस थिंग शोज दैट द पीपल ऑफ द इंडस पीपल, द पीपल ऑफ द इंडस वैली वर कंस्ट्रक्टिंग द हाउसेस वेर दे वर एक्चुअली हार्वेस्टिंग द रेन वाटर। सुनिए मेरी बात, इनके घरों की डिज़ाइन देख के
हमको एक चीज अब क्लियर कट देखने को मिल रही है कि घर के अंदर कुआं बनाने का मतलब क्या है, कि ऊपर से जब बारिश होगी तो बारिश का जो पानी है वो इवेंचुअली आपके घर के अंदर कुआं जो है उसके अंदर पानी स्टोर हो जाएगा, पानी स्टोर हो जाएगा, आप बाहर वाटर सप्लाई के लिए जाओगे नहीं, तो बहुत मिनिमम वे के अंदर आपको बाहर के पानी की आवश्यकता होगी। तो आज के शहरों के अंदर अब जाके जो घर बन रहे हैं उसमें अभी इनफैक्ट रीसेंट अमेंडमेंट्स आए हैं, मॉडिफिकेशंस आए हैं हमारे UDPFI के अंतर्गत, ठीक है ना, जहाँ पे हाउसिंग डिज़ाइन को लेके अब क्लेरिफिकेशन आया है और डिसाइड किया गया है कि भाई साहब अब हाउसेज के डिज़ाइन ऐसे होनी चाहिए कि जहाँ बीच के अंदर या कोई भी आप बिल्डिंग भी बना रहे हो या पर्सनल हाउस बना रहे हो तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने की आवश्यकता है, मतलब बारिश का पानी जो है वो कहीं बाहर ना जाए, द रेन वाटर शुड नॉट इवेंचुअली फ्लो आउट एंड इट शुड बी अल्टीमेटली यूज विद इन द हाउस प्रीमाइसेस। तो हड़प्पन्स वर द फर्स्ट वंस टू यूज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इन्होंने ईंटों के घर बनाए, मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं थी। ईंटों के घरों के अंदर की डिज़ाइन देखोगे तो पता चलेगा कि आज के मॉडर्न डे कंटेम्प्रेरी हाउसेस को टक्कर मारे वैसे डिज़ाइन थी इनकी। तो बहुत इंटरेस्टिंगली इनके घरों को जब हम लोग अभ्यास करते हैं तो इनके घरों के अभ्यास के ऊपर से इतना तो आराम से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई साहब इन्होंने जो डिज़ाइन बनाई है जो मॉडर्न आर्किटेक्चर को टक्कर मारे वैसी डिज़ाइन है। मॉडर्न आर्किटेक्चर का मतलब है कि आज आधुनिक स्थापत्य हम लोग जो देख रहे हैं वहाँ पे कुछ कुछ घरों के अंदर, सब घरों में तो नहीं होगा बट एटलीस्ट वी कैन से इन सर्टेन हाउसेस दिस वॉज द केस ओवर हियर सर, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट नॉट, है ना। तो पहला पॉइंट तो आपको घरों के अंदर कुआ दिख रहा है, आपको घरों के अंदर मैंने कहा कि प्राइवेसी का कंसेप्ट दिख रहा है, कोर्टयार्ड का मतलब ये है कि यहाँ पे ये लोग कोर्टयार्ड बना के इवेंचुअली इस तरह से डिज़ाइन करवाना चाहते थे जहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि ओपननेस भी रहे और प्राइवेसी भी साथ में रहे सर, ठीक है। और ये कोर्टयार्ड के अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज़ होती थी, वीविंग की एक्टिविटीज़ होती है, मतलब ये है कि क्लॉथिंग की डेवलपमेंट होती होगी, हड़प्पन्स ने कॉटन का इनफैक्ट कल्टीवेशन किया था और कॉटन को उगाया था, शायद यहाँ से इनफैक्ट इन्होंने कल्टीवेशन के रूप में और भी चीज़ों का निर्माण करवाया होगा सर, ठीक है। इसके सिवाय इनके घरों के अंदर क्या क्या चीज़ें और बोली गई NCERT के द्वारा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंगली हमको देखने को मिल रही है कि बोंजो दरों के अंदर इन्होंने जो घरों को देखा वहाँ हमको पता चल रहा है कि इनके घरों के अंदर बाथरूम भी हुआ करता था और ये बाथरूम इनफैक्ट दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि इनके घरों के अंदर सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट प्रेजेंट था, मतलब प्राइवेसी ये लोग फॉलो करते थे, प्राइवेसी फॉलो करते होंगे ऑब्वियस है, तो फिर बाथरूम भी बनाएंगे सर, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि भाई कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ह्यूमन डिग्निटी के साथ जुड़ी हुई है, व्यक्ति के मैं कहूँगा कि रिस्पेक्ट के साथ जुड़ी हुई है, प्राइवेसी उसमें से एक है सर, ठीक है। बाथरूम इन्होंने बनाया तो था पर बाथरूम के अंदर भी इन्होंने टाइल्स लगवाई थी सर, टाइल्स की जगह पे आपको देखने को मिलेगा ब्रिक्स का यूज़ किया गया है, मतलब ऐसा नहीं कि खाली बाथरूम बना के छोड़ दिया गया हो। और ये बाथरूम के अंदर इन्होंने ड्रेनेज लाइन को कनेक्ट किया था जो पूरी तरह से आपकी घर के पास जो रास्ता है वहाँ की जो बड़ी ड्रेनेज लाइन है उसको कनेक्ट हो पाएगी सर, गेटिंग माई पॉइंट, है ना। तो यू कैन इमेजिन कि इनके बाथरूम्स के अंदर आपको टाइल्स का यूज़ देखने को मिल रहा है और ये टाइल्स का यूज़ दर्शा रहा है कि हड़प्पिया सभ्यता के दौरान जितना भी इनफैक्ट कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये कंस्ट्रक्शन के बेसिस के ऊपर से हम लोग ये मान सकते हैं कि इनके कंस्ट्रक्शन के अंदर जो वाटर मैनेजमेंट है बहुत इंटरेस्टिंगली इन्होंने उसको डिज़ाइन किया था, राइट। अब समझने की कोशिश करिए, कुछ कुछ घर हमको ऐसे मिले हैं जहाँ पे हमको एविडेंसेस मिल रहा है कि घरों के अंदर स्टेयरकेस के कुछ कुछ रिमेन्स मिला है, स्टेयरकेस के रिमेन्स का मतलब है सीढ़ी के कुछ अवशेष मिला है। ये जो सीढ़ी के अवशेष मिले हैं, द रिमेन्स ऑफ द स्टेयरकेसेस, वो इवेंचुअली आपको सेकेंड फ्लोर के ऊपर इनफैक्ट पहुंचाएंगे, इस तरह से आपको इनफैक्ट है ना एविडेंसेस मिल रहे हैं। या कुछ कुछ लोगों का मानना है कि ये जो स्टेयरकेस है वो रूफ के ऊपर मतलब छत के ऊपर लेके जाने के लिए आपको डिजाइन की जाएगी। ये जो स्टेयरकेसेस है कहीं ना कहीं वुडन के हमको एलिमेंट्स दिख जाएंगे, विल फाइंड द वुडन एलिमेंट्स, मतलब लकड़े की कुछ कुछ यहाँ पे चीज़ें थी और लकड़ा एक्चुअली डीकम्पोज हो गया है। इसके लिए मैं कहूँगा कि हमको यहाँ पे पार्शियल रिमेंस मिलते हैं, पार्शियल रिमेंस का मतलब ये है कि फुल रिमेंस नहीं मिल रहे हैं बट एटलीस्ट वी गेट पार्शियल रिमेंस, जिनके बेसिस के ऊपर से हम लोग ये कह सकते हैं कि इनके जो घरों का निर्माण था उसमें लोग डबल स्टोरी घर भी बनाते होंगे, डबल स्टोरी का मतलब है दो मंजिला, एंड दिस थिंग शोज कि इनके पास बड़े बिल्डिंग बनाने की भी टेक्निक थी। इनफैक्ट कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का सबसे टफेस्ट पार्ट स्टेयरकेस होता है, ना हो तो बता देता हूँ आपको सर, ठीक है,
आप में से जितने भी बच्चे सिविल इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं या पढ़ रहे भी होंगे अपनी कॉलेजेस के अंदर, उनको पता है कि स्टेयरकेस डिज़ाइन करना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आती है, ऊपर का स्लैब देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन्होंने जो स्टेयरकेस का डिज़ाइन किया, ये चीज़ दर्शाता है कि इनके पास स्ट्रक्चरल एलिमेंट बनाने की आवश्यकता थी, या कोई स्ट्रक्चरल एलिमेंट बनाने की इनके पास प्रोसेस था। दे नो द प्रोसेस ऑफ हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट विच वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन द सेकेंड फ्लोर। सर, वी ऑल्सो फाइंड कि यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि इनके घरों के अंदर कुआं था, और ये कुएं की खासियत ये थी कि इसमें बाहर वाले लोग भी आ सकते थे, और बाहर वाले लोग भी इनफैक्ट हमको पता चलता है कि पानी पी सकते थे। सर, गेटिंग माय पॉइंट। तो इनके घरों के अंदर इन्होंने डिज़ाइन ऐसे की है कि इफ अ पर्सन हु इज एक्चुअली कमिंग ओवर हियर, यहाँ पे कुएं में पानी पी के फिर वापस पतली गले से निकल जाएगा। सर, गेटिंग माय पॉइंट। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि एक कम्युनिटी वेल का कंसेप्ट था, या आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है तो उसको कुएं में से पानी पिला दो सर, और उसके बाद कहो कि भाई यहाँ बाहर के एरिया में मिलके निकल जाओ, घर के अंदर के पोर्शन में मत आओ, यहाँ पे बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स होंगे, उनको प्राइवेसी चाहिए होगी सर, है ना, कि ये क्या हर बात के ऊपर आप मेहमान को अंदर के रूम में लेके आते हो। कभी कभी आपके घर पे भी मेहमान आते हैं, आप बोलते हो ना सर अपने बड़ों को, फैमिली एल्डर्स को, कि मेरे रूम में वो चाचा आए थे, उनको बताने की क्या ज़रूरत थी। तो हड़प्पन्स में भी ऐसा होगा, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि हड़प्पन्स भी कुछ इसी तरह से अपना जीवन जीते होंगे सर, ठीक है। तो मूल कहने की मेरा मतलब ये है, इंटेंशन ये है कि आप इनके घरों की लेआउट को देख के हम 5-6 चीज़ें इनके बारे में अज्यूम कर सकते हैं। वो क्या है, एक तो प्राइवेसी ओरिएंटेड पीपल है, दूसरा सस्टेनेबल आर्किटेक्चर प्रैक्टिस किया है। इसकी भी खासियत ये है कि इसमें लोकली मटेरियल यूज़ किया है। लोकल मटेरियल का मतलब है कि इन्होंने घरों की जो डिज़ाइन है उसमें कोई बाहर से कोई सामान नहीं लेके आया सर, ठीक है। जो ईंटें अवेलेबल थी और भी चीज़ें यहाँ पे जो अवेलेबल थी उसी का ही बेस बना के इन्होंने घर की डिज़ाइन बनाई है। तो बिकॉज़ इन्होंने लोकली अवेलेबल मटेरियल का यूज़ किया गया है, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इन्होंने सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस की है। मतलब कहीं बाहर से लेके आते, कुछ और चीज़ें उखाड़ बुखाड़ के करके आ जाते, तो हम लोग कहेंगे कि भाई ये लोग सस्टेनेबल नहीं थे, खाली खर्चा करने में जानते थे, दे वर मोर इंटरेस्टेड इन स्पेंडिंग मनी, एंड इवेंचुअली उसके कारण बहुत सारी चीज़ों का नुकसान भी पहुँचाएंगे सर, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें आपको हड़प्पन्स के अंदर नहीं दिखेगी सर, है ना। ऑल दिस थिंग्स इवेंचुअली यू विल फाइंड नॉट सी इन द हड़प्पन्स एरिया, और इसी के कारण हम लोग हड़प्पन्स को अल्टीमेटली याद रखते हैं। तो इनके यहाँ पे एक कम्युनिटी लिविंग का कंसेप्ट भी दिखेगा। कम्युनिटी लिविंग का क्यों कंसेप्ट दिखता है, क्योंकि काफ़ी सारे घरों के अंदर जो कुआ दिखा है वो कुआ बाहरी कमरों में था। तो हो सकता है कि जो भी बाहर से जो भी निकल रहा होगा, जो भी इनके कोई रिलेटिव आते होंगे, उनको बाहर कुएं में से पानी पिला के इन्फेक्ट निपटा दिया जाता होगा। एक ये कंसेप्ट भी देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंगली कहानी आपको दिखी है सर, ठीक है। अकेले मोहनजोदड़ो के अंदर 700 के आसपास कुएं का हमको आज की तारीख में एविडेंसेस है। कैन यू इमेजिन सर, 700 वेल्स विद इन अ सिंगल टाउन और अ सिटी, एक कुएं में से कितने लोग सस्टेन हो पाते हैं? एक कुआ होता है गाँव के अंदर, तो कितने लोग पानी पी पाते हैं? हाँ भाई साहब, मुझे बताइए, आप में से जो लोग गांव में रहते हैं उनको ये पिक्चर क्लियर होगा कि एक कुआ है आपके गांव के अंदर, से फॉर एग्जांपल 50 फीट गहरा कुआ है, 50 फीट गहरे कुएं में से कितने लोगों को पानी मिल पाता है, या कितने लोग पानी पी पाते हैं? हाउ मैनी पीपल आर एबल टू ड्रिंक वाटर आउट ऑफ अ 50 फीट वेल? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? 50 फीट अगर का आपके पास कुआ है तो उसमें से कितने लोग पानी पी पाएंगे सर? द नंबर 700 कुएं खाली मोहनजोदड़ो के अंदर मिले हैं। आप समझने की कोशिश करिए, अगर एक कुएं में से अंदाजित मैं कहूँगा कि 50% आर एक्चुअली गेटिंग फीडिंग और दे आर गेटिंग वाटर आउट ऑफ अ वेल, तो मैं 50 × 700 करता हूँ तो कितनी पॉपुलेशन हो गई? दो, समझ में आ रहा है? गेटिंग माय पॉइंट। हाँ, 35,000 के आसपास पॉपुलेशन होगी सर। इतना नंबर अगर कुएं का है, द नंबर ऑफ वेल्स इज 700 वेल्स, एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड एक कुएं के अंदर से 50 लोगों को पानी मिल रहा है, मैं तो कहूँगा कि ज़्यादा लोग पानी पीते हैं। कभी कभी पूरे गांव के अंदर 2 या 3 कुएं होते हैं, उसमें 4-5 हज़ार की पॉपुलेशन पानी पी लेती है सर, ठीक है। तालाब भी होता है नो डाउट, बट नॉर्मल छोटा सा विलेज होगा ना सर, 1500-2000 का, तो उसमें तो आप पकड़ के चलिए 4-5 कुएं में तो पूरा निपट जाता है पूरा गाँव सर, है ना। 4 कुएं हो गए 4 अलग अलग कोने के अंदर, तो आधे लोग वहाँ से पियेंगे, आधे लोग वहाँ से पियेंगे, इस तरह से आपका पानी का सेटलमेंट हो जाएगा। यहाँ मोहनजोदड़ो के अंदर ही 700 कुएँ दिख रहे हैं बेटा, तो 700 कुएँ दर्शाते हैं
कि इनके पास जो प्रोडक्शन या मैं कहूँगा पॉपुलेशन थी बहुत हाई थी, दूसरा 700 कुएं में कितना सारा वाटर कंजर्वेशन होता होगा सर। ठीक है, क्योंकि वेल्स का कंस्ट्रक्शन करना मतलब ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है सर। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वेल इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस दैट यू कैन एवर फाइंड सर। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप समझने की कोशिश करिए, आप कुओं को आप कभी देखेगा सर, उसमें आपको गहराई में जाना पड़ता है, यू आर सपोज टू गो इनसाइड द डेप्थ, है ना। और जब आप गहराई में जा रहे हो तो यू ऑल्सो नीड टू सी कि यार यहाँ हमको पानी की अवेबिलिटी कैसे हो पा रही है और कितना फिर वाटर कंजर्वेशन भी करेंगे सर। ठीक है, तो इनके पास टेक्निक थी मास कंस्ट्रक्शन की सर, मैंने आपको पहले भी बताया सर। इजिप्शियन को लोग देख के हके पक्के हो जाते हैं क्योंकि उनके पिरामिड्स यहाँ पे हमको बड़े बड़े दिख जाते हैं। हड़प्पीय सभ्यता के साथ दिक्कत ये हुई है कि ये आधे से ज़्यादा ज़मीन में आज की तारीख में बरी हो चुका है, मतलब वो दफन हो गया है। दूसरा पॉइंट ये है कि हड़प्पीय सभ्यता को लेके लोग बहुत हल्के में मानते हैं, उसको लगता है कि हाँ भाई कुछ लोग रहते होंगे, पिरामिड से ग्लोबल अट्रैक्शन बन गया है। बट जब आप इसका एक मैक्रो लेवल के ऊपर एनालिसिस या माइक्रो लेवल के ऊपर एनालिसिस करते हो, तब जाके आपको इसकी रियलिटी समझ में आती है कि भाई साहब इनके द्वारा जो चीज़ों का निर्माण किया गया है, द थिंग्स दैट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय दिस पीपल इज़ ह्यूज इन नंबर। और इतनी बड़ी मात्रा में जो चीज़ों का निर्माण किया गया है, ये चीज़ दर्शा रही है कि इनके यहाँ पे प्रोडक्शन की जो टेक्निक है सर, उसमें इनफैक्ट काफ़ी सारी एडवांसमेंट भी हम लोग कह सकते हैं। और इसी के अंदर से हम लोग ये भी मान सकते हैं कि भाई इनको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज था, जिसके द्वारा इन्होंने इनफैक्ट इन सब चीज़ों को आधार बना के निर्माण कराया सर। राइट सर, ठीक है। तो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के ऊपर से हमको पता चलता है कि अ सिंगल हाउस वॉज अ सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट। पानी के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी, बाथरूम के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी, घरों के अंदर ही आपको सनलाइट मिल जाती थी। विद इन द हाउसेज वी वर सी, हमने अभी आपको बताया कि इनको बिजली सूरज की जो रोशनी है वो मिल जाती थी, वेंटिलेशन रहता था, विंडोज़ नहीं मिलती थी, और घर के जो दरवाजे थे वो मूलतः मुख्य रोड के ऊपर ना खुलते हुए, मुख्य सड़क के ऊपर ना खुलते हुए अंदरूनी गली में खुलते थे। इससे दो फायदे होंगे, प्राइवेसी रहेगी, डस्ट नहीं आएगा, चोरी चपाटी करने के कोई इशू नहीं होंगे, और तीसरा हम लोग कहेंगे साथों साथ यहाँ पे जो पूरी घरों की डिज़ाइन है उसके अंतर्गत लोगों को अपने हिसाब से जीने की एक छुट्टी मिल जाएगी सर। ठीक है, इन सब बेसिस के ऊपर से इनके डोमेस्टिक आर्किटेक्चर को देख के हम ये मान सकते हैं कि मोहंजोदड़ो खास करके एक ऐसा सिटी है जिसमें बहुत सारी आपको प्लानिंग के एलिमेंट्स दिखेंगे। ये घर का भी जो डिज़ाइन है, विदाउट एनी प्लान आप बना नहीं सकते, आप रैंडमली बनाने की कोशिश करोगे तो इस हिसाब से चीज़ें नहीं बन पाएगी। और दो दो स्टेयरकेसेस बनाए गए, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ से। ठीक है, ये दो स्टेयरकेसेस का इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ सर। ठीक है, तो होपफुली आपको इनके हाउसिंग डिज़ाइन के बारे में पिक्चर क्लियर हुआ होगा और आपको समझ में आया होगा कि ये हड़प्पीय सभ्यता के अंतर्गत घरों की डिज़ाइन कैसे होती है और हाउसेस को मेनली इनफैक्ट कैसे कंस्ट्रक्ट करवाया गया है सर। ठीक है, अब आप देखिए कि हाउसेस को कैसे कंस्ट्रक्ट कराया गया, मैंने आपको बताया कि उसके एक डिज़ाइन की एक खासियत थी। उसके सिवाय ये हड़प्पीय सभ्यता के अंतर्गत जब हम लोग प्लानिंग मॉडल को देखते हैं तो एक बहुत इंटरेस्टिंगली फीचर आपको देखने को मिलेगा, वो है सिटाडेल का फीचर सर। ठीक है, सो व्हेन वी स्टडी द प्लानिंग मॉडल ऑफ द हड़प्पन सिटीज, मैंने आपको बताया कि उसके अंतर्गत हमको सिटाडेल के बारे में भी चीज़ें पता होनी चाहिए सर। ठीक है, अब पिछले क्लास के अंदर भी मैंने थोड़ी बहुत इसके बारे में डिस्कस किया था सर। ठीक है, तो एक वॉल्ड फोर्ट लाइक स्ट्रक्चर है, एक दीवारों से बना हुआ किले जैसा एक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा सर, इसके लिए उसको सिटाडेल कहते हैं सर। ठीक है ना, सो इट्स अ वॉल्ड स्ट्रक्चर जो किले टाइप बना हुआ है, बेसिकली एक हम लोग कहेंगे कि एक ऐसा आयाम बनाने की कोशिश की गई है जिसके इर्द गिर्द इनफैक्ट एक पूरी सेटलमेंट होती थी इसके अंदर की साइड के अंदर, और इसमें हमको बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स मिल चुके हैं सर। ठीक है, तो जब हम लोग हड़प्पा के सिटाडेल की बात करेंगे तो हमको पता चलता है कि ज़्यादातर शहरों को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया था। सामान्य रूप से अगर ये हड़प्पा का एक नॉर्मल शहर है तो उसमें आपको एक वेस्ट का एरिया दिखेगा और एक ईस्ट का एरिया दिखेगा। ईस्ट को हम लोग लोअर टाउन के रूप में पहचानते हैं क्योंकि ये छोटी हाइट के ऊपर था, और जो वेस्ट का एरिया था यहाँ पे आपको सिटाडेल दिखेगा। सामान्य रूप से हर एक शहर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किए गए थे और ये वेस्ट के एरिया के अंदर ही एक फोर्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की गई थी जिसे हम लोग सिटाडेल कहते हैं, जो ईंटों से बनता है सर। ठीक है,
ये सिटाडेल इनफैक्ट अलग अलग वेरिएशंस के बाद इनके द्वारा बनाया गया था सर, याद रखिएगा सर, ठीक है। सामान्य शहरों के अंदर हमको पता चल रहा है कि इनके द्वारा सिटाडेल वेस्ट में था, हाइट के ऊपर दिखेगा, और सिटी दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता था। बट वी फाइंड कि कुछ कुछ हरप्पन सेटलमेंट ऐसे भी थे जहाँ पे धौड़ावीरा जैसी आपको जगह दिखेगी, जहाँ पे आपको लोथल जैसी जगह दिखेगी, वहाँ पे हमको पता चल रहा है कि द सेक्शंस विद इन द टाउन वर ऑल्सो सेपरेटेड बाय वॉल्स। धौड़ावीरा एक ऐसा शहर है, याद रखेगा, जिसको तीन पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसको तीन पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। मतलब ये है कि धौड़ावीरा शहर का जब हमने पुरातात्विक अभ्यास किया तो वहां पे एक साइड के ऊपर आपको सिटाडेल दिखा, दूसरे साइड के ऊपर आपको लोअर टाउन दिखा, पर लोअर टाउन को भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। समझ में आ रहा है? उसका पार्ट वन और पार्ट टू। एंड इसी के कारण वी कैन से कि सिटाडेल और लोअर टाउन को दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हुए ये जो शहर है वो तीन भागों के अंदर बटा हुआ है। लोथल के अंदर जो सिटाडेल बना है उसको इन्होंने किले के रूप में नहीं बनाया, इन्होंने कहा कि भाई हमको यहाँ किला बनाने की आवश्यकता नहीं है सिटाडेल के रूप में, इसके लिए हम लोग किला नहीं बना रहे हैं। लोथल के अंदर इन्होंने इनफैक्ट जो सिटाडेल बनाने की कोशिश की है, वो सिटाडेल अगर आप समझने की कोशिश करोगे वो हमको पता चलता है वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन हाइट। हाइट का मतलब है कि बेसिकली एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बना दिया गया। तो सिटाडेल में आपको बहुत सारे वेरिएशंस दिखेंगे और ये सिटाडेल के अंतर्गत आपको बहुत सारी चीज़ें प्लस माइनस होती हुई दिखेगी, पर मोटे मोटे तौर के ऊपर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इनके द्वारा मेजोरिटी जो भी सिटाडेलों का निर्माण किया गया है वो सिटाडेल इनफैक्ट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मैं कहूँगा इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स को रखते थे। जितने भी इनके स्ट्रक्चर्स ज़रूरी हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स, वो सब सिटाडेल के अंदर में आया करते थे। जैसे ग्रेट बाथ हो गया, जैसे ग्रैनरी हो गई, लोथल के अंदर आप देखोगे तो आपको फायर ऑल्टर्स दिख जाते हैं, हवन कुंड दिख जाते हैं, वो सब कुछ सिटाडेलों के अंदर ही होता था। अगर ये सब चीज़ें सिटाडेल के अंदर बना रहे हैं, मतलब यहाँ के कोई शासक होगा, यहाँ का कोई राजा होगा, यहाँ का प्रधानमंत्री होगा, यहाँ कोई भी एक ऐसा एफ्लुएंट पर्सन बैठा हुआ है जो कह रहा है कि ये सब चीज़ें यहाँ बननी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रखे सबको अपनी जेब के अंदर, हमसे पंगा मत लेना मेरे यार सर, ठीक है ना। यहाँ का बंदा कह रहा है कि मैं सिकंदर हूँ, मैं कहूँगा उस हिसाब से चीज़ें बननी चाहिए। और सिटाडेल के अंदर ही हमको बहुत सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमको स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। तो आप मोहंजोदड़ो देख लो, आप हड़प्पा को देख लो, आप बहुत सारे और शहरों को देख लो, उन सब के अंदर आपको सिटाडेल की, मतलब जो किले बनते हैं, फोर्ट्स बनते हैं, उसकी एक लाक्षणिकता दिखेगी। और लाक्षणिकता के अंतर्गत हम लोग ये कह सकते हैं कि इनके द्वारा जो भी सिटाडेलों का निर्माण किया गया है, ये सिटाडेल के अंतर्गत इन्होंने ये ध्यान रखा है कि सब चीज़ें सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए सर, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सिटाडेल जो है उसके अंदर के मिले हुए जो स्ट्रक्चर्स है, स्ट्रक्चर्स का मतलब जो भी बिल्डिंग्स है, ये बिल्डिंग्स का अपना खुद का इम्पोर्टेंट था। और ये बिल्डिंग्स को मूलतः अगर आप समझने की कोशिश करोगे, एक विशेष प्रकार के पब्लिक पर्पस के लिए बनाए गए थे सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। सो वी डू गेट इंस्टेंसेस कि द सिटाडेल्स वर एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड फॉर पब्लिक पर्पसेस, स्पेशल पब्लिक पर्पसेस हम लोग कह सकते हैं। और ये सिटाडेलों के अंदर हमको बहुत सारी चीज़ें मिली हुई है सर, ठीक है। मोहंजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, ये दोनों मुख्य शहर है इनके यहाँ पे। बहुत लोगों का मानना है कि ये ट्विन कैपिटल हुआ करते थे। ट्विन कैपिटल समझते हो सर, दो दो राजधानी, वैसा कंसेप्ट यहाँ पे प्रपोज भी किया गया है मेनी हिस्टोरियंस के द्वारा, ऑथर्स के द्वारा, खैर उसके ऊपर मैं नहीं जाऊँगा। बट ये सिटाडेल की कहानी क्या लिखी गई है सर, ठीक है। यहाँ बोला गया है दिस इंक्लूड द वेयर हाउस, इसके अंदर एक वेयर हाउस इंक्लूडेड है, अ मैसिव स्ट्रक्चर विच द लोअर ब्रिक पोर्शंस रिमेन वाइल द अपर पोर्शन प्रोबेबली ऑफ वुड डिकेड अगो वैन द ग्रेट बाथ। मतलब इसके अंदर दो तीन चीज़ें दिखी है, एक तो यहाँ पे एक वेयर हाउस दिखा है। ये वेयर हाउस को हम लोग ये मान सकते हैं कि इनके यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टोरेज के लिए चीज़ें रखी होगी। ये वेयर हाउस को ही बहुत लोग कहते हैं कि एक ग्रैनरी के रूप में यूज़ किया होगा। ग्रैनरी समझ में आता है आपको सर, ठीक है, ग्रेट ग्रैनरीज जहाँ पे इनफैक्ट फूड स्टोरेज किया जाता होगा।
और इससे हमको पता चलता है कि राजा ने या यहाँ की जो रूलिंग क्लास हुआ करती थी, इसने ये सिटाडोवा के अंदर इनफैक्ट ये जो फूड स्टोरेज का जो चीज़ों का निर्माण कराया, इनके बेसिस के ऊपर से हम लोग ये कह सकते हैं कि इन्होंने लॉन्ग टर्म की प्लानिंग की थी कि अगर भविष्य में अकाल पड़ गया हो, भविष्य में खाना ना मिल पा रहा हो, भविष्य में और कुछ इश्यू क्रिएट हो गया हो, तो हमारे पास जो भी ग्रैनरीज अवेलेबल है उसके अंदर से हम लोग इनफैक्ट चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं या हमारी सोसाइटी को इनफैक्ट है ना सर्वाइव करवा सकते हैं सर, गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो पहला तो आपको वेयर हाउसेज दिखेंगे। ये वेयर हाउसेज के अंतर्गत हम लोग को एक प्लेटफॉर्म दिखता है जो ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर इसकी बिल्डिंग की रचना की गई थी। मतलब हम लोग फिर से ये कह सकते हैं कि सिटाडेल के अंदर भी इन्होंने ब्रिक प्लेटफॉर्म बनवाए थे। ये ब्रिक प्लेटफॉर्म का इंटेंशन यही था कि नीचे अगर कोई अनाज रखा गया हो, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर का कुछ क्रॉप है जो आपने स्टोर करके रखा हो, ये क्रॉप का स्टोरेज खराब ना हो जाए बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ पेस्ट और बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ अदर एक्टिविटीज सर, राइट। तो इन सब बेसिस के ऊपर से हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ जो एक्टिविटीज़ का निर्माण किया गया है, जो चीज़ों का निर्माण किया गया है, उसमें एक तो वेयरहाउस मतलब ग्रैनरी का इंपॉर्टेंस है, दूसरा सिटाडेल में आपको एक चीज़ मिली है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेट बाथ। ये मोहनजोदड़ो के अंदर है सर, है ना, बहुत बड़ा एक हवन कुंड दिखेगा, क्या कहते हैं मिलेगा, एक जलाशय दिखेगा, जैसे हमने धौलावीरा के अंदर देखा ना कल के क्लास के अंदर। पिछला क्लास अगर आपने डे बिफोर यस्टरडे अटेंड किया होगा तो हमने आपको धौलावीरा के अंदर एक वाटर रिजर्वर के बारे में बताया था सर, है ना। जस्ट अ सेकेंड, आपको फोटो दिखा देता हूँ, आपको याद रह जाएगा सर, ठीक है। सो ये रहा सर, ठीक है। सो इन द धौलावीरा वी डू गेट अ वाटर रिजर्वर, और ये रिजर्वर की खासियत ये थी कि इसमें आपको सीढ़ियाँ दिख रही है सर, ठीक है। तो आप यहाँ पे खड़े हो तो यू कैन गो डाउन एंड यू कैन अल्टीमेटली टेक पार्ट इन द स्विमिंग एक्टिविटीज़, और वाटर आपको वहाँ से फेच करना हो तो आप लेके आ सकते हो सर, ठीक है। तो क्या इसी प्रकार की चीज़ आपको ग्रेट बाथ के अंदर भी दिख रही है? और हम लोग जब मोहनजोदड़ो के अंदर आया हुआ ग्रेट बाथ को अभ्यास करते हैं, व्हेन वी स्टडी द ग्रेट बाथ वी डू कम टू एन एविडेंस कि ये ग्रेट बाथ की इंपॉर्टेंस ये थी कि ये जो ग्रेट बाथ था ये भी कोई एक विशेष प्रकार के रिचुअल्स के लिए यूज होता था सर, ठीक है। तो वी सी दैट द ग्रेट बाथ वॉज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक इन अ कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय कॉरिडोर्स ऑन ऑल फोर साइड। एक बहुत बड़ा ग्रेट बाथ दिखा। ये ग्रेट बाथ की खासियत ये है कि एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर आपको रिजर्वर दिखेगा, एक टैंक दिखेगी, और उसके आजू बाजू में आपको कोर्टयार्ड दिखेगा। कोर्टयार्ड मतलब बेसिकली एक पूरी की पूरी हम लोग कह सकते हैं कि एक कवरिंग सेक्शन है सर, ठीक है। एंड इन्हीं के बेसिस के ऊपर से ये ग्रेट बाथ के अंदर अगर आपको उतरना हो तो यहाँ पे आपको सीढ़ी दिखेगी, यहाँ पे आपको सीढ़ी दिखेगी, यू विल फाइंड स्टेयर्स ओवर हियर। ये सीढ़ी से आप नीचे उतर सकते हो। एंड इवेंचुअली हमको ये पता चलता है कि ये जो ग्रेट बाथ था, ये ग्रेट बाथ के अंदर इनफैक्ट वाटर लीकेज ना हो पाए, वाटर ज़मीन के नीचे ना उतरे, इसके लिए इसको वाटर टाइट बनाने की भी कोशिश की गई थी सर, है ना। और ये वाटर टाइट कैसे बनाया गया था? तो बाय द यूज़ ऑफ जिप्सम। जिप्सम समझ में आता है सब लोगों को सर, ठीक है। सो वी सी द यूज़ ऑफ जिप्सम वॉज देयर। जिप्सम मटेरियल है, अवेलेबल मिल जाता होगा सर, ठीक है। लाइम भी मिल जाता है, ऐसे बहुत सारा। और इन्होंने जिप्सम का यूज़ करके इनफैक्ट ये ग्रेट बाथ को वाटर टाइट कर दिया था। दिस इज़ द ग्रेट बाथ बाय द वे सर, ठीक है। उसके आजू बाजू में कोर्टयार्ड है, इनफैक्ट आपको यहाँ पे कमरे दिखेंगे, यू विल फाइंड रूम्स ओवर हियर सर, ठीक है। तो लोगों का मानना है कि दिस माइट बी द चेंजिंग रूम्स, और दिस माइट बी द रूम्स जहाँ पे रिचुअल एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करवाया जाता होगा सर, ठीक है। माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि सम काइंड ऑफ रिचुअल एक्टिविटीज़ है ना। सो देर वर रूम्स ऑन द थ्री साइड्स ऑन विच देर वॉज अ लार्ज वेल एज वेल। यहाँ पे एक साइड के ऊपर आपको कुआ भी दिखेगा। वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोड इन द ह्यूज ड्रेन। अब आप समझने की कोशिश करिए कि ये जो ग्रेट बाथ था, ये ग्रेट बाथ आइसोलेटेड नहीं था, इसकी कनेक्शन एक ड्रेनेज लाइन के साथ दे दी गई थी सर। और ये ड्रेनेज लाइन के साथ देने के कारण हम लोग ये कह सकते हैं कि इन्होंने वाटर को क्लीन करने की आवश्यकता रखी थी। दे मेड श्योर कि ज़रूरत पड़ने के ऊपर पानी को क्लीन किया जाना चाहिए, वाटर शुड बी क्लीन डाउन। एंड इवेंचुअली हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई इनके यहाँ पे जो जो चीज़ों का निर्माण किया गया है, उन चीज़ों के निर्माण आधारित इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें रिचुअल्स के लिए भी हमको देखने को मिलेगी सर, ठीक है। सो वी फाइंड कि ये ग्रेट बाथ की आपको सिग्निफिकेंस दिखेगी। अक्रॉस अ लेन टू द नॉर्थ ले अ स्मॉलर बिल्डिंग विथ 8 बाथरूम्स, 4 ऑन ईच साइड ऑफ अ कॉरिडोर विथ ड्रेन्स फ्रॉम ईच बाथरूम कनेक्टिंग टू अ ड्रेन दैट रैंग अलॉन्ग द कॉरिडोर। मतलब आप समझने की कोशिश करिए कि आपको
ग्रेट बात के नॉर्थ के साइड के ऊपर आपको एक ऐसा कॉरिडोर दिखेगा, दिस इज द कॉरिडोर, और ये कॉरिडोर में आपको चार बाथरूम दिखते हैं, 1, 2, 3 और 4, और ऐसे दोनों साइड के ऊपर आपको दिखते हैं, है ना, 5, 6, 7 और 8 सर, है ना। तो यू विल फाइंड कि यू विल फाइंड 8 बाथरूम्स ओवर हियर। ये आठों के आठों बाथरूम्स इनफैक्ट कुछ प्रकार की रिचुअल्स के लिए थे। इन्हीं के अंदर से भी आपको ड्रेनेज लाइन दिखेगी, यू विल ऑल्सो फाइंड अ ड्रेनेज लाइन दैट इज कमिंग आउट एंड दैट इज एक्चुअली दिस थिंग सर, ठीक है, जो आगे पूरे पानी को या जो वेस्ट वाटर है उसको सप्लाई करवा रही है सर, ठीक है। तो इनके बेसिस के ऊपर से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो सिटाडेल है, ये सिटाडेल के अंदर जो भी प्रकार के हमको बाथरूम्स दिखे हैं, ग्रेट बाथ दिखा है, सम काइंड ऑफ वेयरहाउस दिखा है, ये रिचुअल बेदिंग के लिए यूज़ होता था। अब रिचुअल बेदिंग का मतलब क्या है? आप कोई परंपरा के तहत स्नान कर रहे हो। भारत के अंदर आज की प्रासंगिकता ये है कि जब भी इनफैक्ट कुछ कुछ विशेष प्रकार के कैलेंडर डेज आएंगे, खास करके आप देखिए, चलो कुंभ का मेला देख लीजिए सर, ठीक है, लोग हरिद्वार ऋषिकेश जाते हैं, प्रयाग जाते हैं सर, तो दे विल मेक श्योर कि वो लोग एक बार गंगा में, गंगा मैया के अंदर डुबकी लेंगे सर। और ये क्यों डुबकी लेते हैं? क्योंकि एज अ पार्ट ऑफ एक रिचुअल्स, एज अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिशंस, इन चीज़ों को फॉलो किया जाता है सिंस थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इस प्रकार का रिचुअल बेदिंग करना एक इंस्टीट्यूशनल रिलीजन की इनफैक्ट नॉलेज देता है? तो ये जो रिचुअल बेदिंग था, ये हम लोग आज के तारीख के अंदर प्रेजेंट डे के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। और प्रेजेंट डे के अंदर से फॉर एग्जांपल लोग कुंभ मेले के अंदर रिचुअल बेदिंग करते हैं, क्या उसके साथ हम लोग जोड़ सकते हैं? तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हड़प्पीय काल में जो संस्कृति थी, हड़प्पीय काल के अंदर जिस प्रकार से लोग अपना जीवन चलाते थे, कुछ उसी प्रकार के रीति रिवाज, कुछ उसी प्रकार की धार्मिक प्रवृत्तियाँ आज के समय के अंदर भी हम करते हैं। कैन वी एक्चुअली कम टू अ कंक्लूजन पॉइंट दैट दी एक्टिविटीज़ दैट वर परफॉर्म्ड इन द इंडस पीरियड के अंदर, सैंधव सभ्यता के अंदर जो भी प्रकार के कार्य होते थे, वो कार्य आज की तारीख के अंदर भी इनफैक्ट होते हैं, इसी प्रकार के कार्य होते हैं, जहाँ विशेष प्रकार के रिचुअल बेदिंग का भी हमको एविडेंसेस मिल जाता है, समझे कि नहीं समझे। तो इनका भी एक बहुत हम लोग कह सकते हैं कि एक बेसिस बनता है, और इन्हीं के बेसिस के ऊपर से हम लोग ये कह सकते हैं कि इनके यहाँ पे इनफैक्ट और भी चीज़ों का इनफैक्ट है ना, रिलीजन का एविडेंसेस मिलता है सर, ठीक है। तो वेन वी सी दिस काइंड ऑफ रिचुअल बेदिंग, दिस थिंग शोज द एविडेंस ऑफ रिलीजन सर, ठीक है, इनके यहाँ पे धर्म का हमको एविडेंस मिल रहा है। और हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई इनके द्वारा जो भी जीवन जीते होंगे, ये लोग जिस प्रकार से अपने लाइफ को इनफैक्ट मैं कहूँगा कि एंजॉय करते होंगे, अपने जीवन को चलाते होंगे, उसमें धर्म की प्रासंगिकता और धर्म का खुद का आपको महत्व दिख जाएगा सर, ठीक है ना। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जब हम लोग इसको समझते हैं। तो आपको बाथरूम के एविडेंसेस दिखते हैं, आपको ग्रेट बाथ के एविडेंसेस दिख जाते हैं, आपको यहाँ पे सिटाडेल के अंदर इनफैक्ट रूलिंग क्लास कुछ होगा या कुछ ऐसी प्रकार की एक्टिविटीज़ होगी, उसके बारे में भी हमको पता चलता है सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इन सब बेसिस के ऊपर से हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई हड़प्पीय सभ्यता के अंदर जो प्लानिंग एस्पेक्ट है, ये प्लानिंग का खुद का महत्व है, सिटाडेल बनाने का भी महत्व है। सिटाडेल हर एक सिटी में अलग अलग बनता था, धौड़ावीरा में 3 पार्ट के अंदर सिटी डिवाइडेड था, बाकी सारे शहर 2 पार्ट के अंदर थे। लोथल के अंदर हमने आपको बताया कि सिटाडेल बना है, एक आपको प्लेटफॉर्म बना हो मिल जाएगा, बट उसके आजू बाजू में दीवार नहीं है, देर आर नो फोर्ट्स ओवर हियर, जो बाकी सारे शहरों से थोड़ा उसको अलग कर देता है। तो ये छोटे 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 इनफैक्ट है ना आपके डिफरेंसेस है। धौड़ावीरा इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, लोथल एंड अदर सिटीज आर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। लोथल डज नॉट हैव अ फोर्टिफिकेशन लाइक द नॉर्मल सिटीज। ये आपके लिए एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया, दिस इज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड टू यू बेस्ड ऑन द फैक्ट्स दैट वी हैव एक्चुअली अंडरस्टूड इन द इंडस सिविलाइजेशन सर, ठीक है। तो आपको इतनी पॉइंट समझ में आ गई, यू गॉट दिस मच पॉइंट कि इसकी सिटाडेल का सिग्निफिकेंस क्या है और ये किन किन चीज़ों का इनफैक्ट निर्माण करवा रहे हैं। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। हड़प्पीय सभ्यता में हमने जब ये क्लास को शुरू किया था, व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड द क्लासेस, मैंने आपको हर एक पॉइंट्स को बहुत ही थरली डिस्कस करवाने की कोशिश की है। अब आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों का कहना ये है कि सर आप समराइज़ पर्सपेक्टिव से हमको करवाइए सर, ठीक है,
अब देखिए मेरा एक चीज़ बहुत क्लियर कट मानना है कि जो सिक्स स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी वो मैंने समराइज पर्सपेक्टिव में करवाई इनिशियली जब करवाई थी, क्योंकि छठे की एनसीईआरटी छठे के लेवल के ऊपर करनी होती है। मतलब आप समझने की कोशिश करिए, स्टैंडर्ड सिक्स की एनसीईआरटी को अगर आपको करना है तो वो सिक्स के लेवल के हिसाब से ही आपको डेवलप करनी होगी सर, ठीक है। बट आप जैसे जैसे ऊपर के स्टैंडर्ड्स में जा रहे हो, मतलब यू आर गोइंग इन स्टैंडर्ड 8, स्टैंडर्ड 9, स्टैंडर्ड 10th, और उसके बाद 11th मैंने करवाई नहीं है बाय द वे सर, ठीक है ना। काफ़ी बच्चे कमेंट्स के अंदर पूछ रहे थे कि सर 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी आपने करवाई है कि नहीं करवाई है। अब याद रखिएगा कि जो न्यू एनसीईआरटी है ना, न्यू एनसीईआरटी मतलब जो अभी आप हम लोग कर रहे हैं सर, है ना, उसमें 11th की एनसीईआरटी वर्ल्ड हिस्ट्री की है, और वर्ल्ड हिस्ट्री में भी एंशियंट वर्ल्ड हिस्ट्री उसमें ज़्यादा कवर किया गया है, मिडिवल वर्ल्ड हिस्ट्री ज़्यादा कवर किया गया है, वेरस यूपीएससी हमको मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री पूछता है। तो उसमें खाली एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एक टॉपिक है, वो ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको मैं अलग से करवा दूंगा एक आध दिन शांति प्रिय रूप से सर, ठीक है। तो आप 11th की एनसीईआरटी को लेके ज़्यादा लोड मत लीजिए सर, है ना। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको मेरी एक ही गुजारिश है कि व्हेन इट कम्स टू एनसीईआरटी, मैं जिस हिसाब से जो अप्रोच के साथ करवा रहा हूँ उसमें आप रहिए मेरे साथ सर, ठीक है। क्योंकि अभी प्रीलिम्स नज़दीक आएगा, मुझे एनसीईआरटी निपटानी है, तो अगले 4-5 दिन में ये चैप्टर को ख़त्म करेंगे एंड देन विल जंप टू अदर चैप्टर्स एज वेल सर, ठीक है। उसमें चैप्टर नंबर 2, 3, 4 आगे जो है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे सर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सैंधव सभ्यता के अंदर जो इंडस सिविलाइजेशन है, इनकी सोसाइटी कैसे हुआ करती थी सर, इनके समाज था कि नहीं था, समाज था तो कैसा था, ये किस तरह से सामाजिक रूप से इनका जीवन चलाते थे, ये किस तरह से अपने इनफैक्ट है ना सोशल डिफरेंसेस को गाइड किया करते थे, उन सब पॉइंट्स के ऊपर अब डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू दी सोशल एस्पेक्ट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, और सोशल एस्पेक्ट के अंतर्गत समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी सोसाइटी के अंतर्गत सामाजिक रचना कैसी थी। अब आप समझिए कि जब हम लोग वैदिक युग को देखते हैं, वैदिक एज को, तो वैदिक एज के अंदर वी हैव क्लियर कट एविडेंसेस दैट द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्ण। वैदिक युग के अंदर जब हम लोग सोसाइटी का अभ्यास करते हैं तो हमारे पास मोटे मोटे तौर के ऊपर एविडेंसेस आ जाते हैं कि समाज की रचना वर्ण आधारित हुई थी, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रस और वर्ण में फ्लेक्सिबिलिटी भी थी। सो देर वॉज नो इशू अबाउट रिजिडिटी इन द वर्ण इन द वैदिक एज, वो तो लेटर पीरियड के अंदर फिर बहुत सारे इशूज क्रिएट हो गए। तो प्रारंभिक रूप से जब हम लोग सैंधव सभ्यता को देखते हैं तो उसमें हमको वर्ण प्रथा की कोई एविडेंसेस नहीं मिलते। अब वर्ण प्रथा के कोई एविडेंसेस नहीं मिलते उसके पीछे का कारण यह है क्योंकि हमको कोई लिटरेचर के एविडेंसेस नहीं मिले। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो मूलतः हम कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजी के ऊपर से ही हमने उसका पूरा डेसिफरेशन किया है। वी हैव एक्चुअली ट्राइड टू डेसिफर बेस्ड ऑन द आर्कियोलॉजी, एंड बिकॉज वी हैव ट्राइड टू बेस्ड ऑन द आर्कियोलॉजी तो वी आर नॉट एक्चुअली अवेयर कि ये कितनी इनफैक्ट है ना, किस तरह से उसकी जीवन चलती होगी सामाजिक रूप से। तो सामाजिक रूप से हमको जो भी चीज़ों का डेवलपमेंट मिला है, द थिंग्स दैट वी हैव अंडरस्टूड बेस्ड ऑन द सोसाइटी, वो है आर्कियोलॉजी के ऊपर से। मतलब आर्कियोलॉजी ही हमको जानकारी देती है कि इनका समाज कैसा होता होगा, समाज में किस प्रकार के लोग रहते होंगे, जाति प्रथा थी कि नहीं थी, खैर नहीं थी हम ये मानते हैं, पर सामाजिक रचना में एक हायरार्की दिखेगी सर। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि हायरार्की आपको हर एक समाज का भाग के अंदर दिखेगी। ये क्यों दिखेगी? क्योंकि उसमें मूलतः इंसान का दिमाग रिस्पॉन्सिबल है। सामाजिक रचना के अंदर आपको एक हायरार्की दिखेगी। हायरार्की के अंतर्गत कुछ लोग टॉप के ऊपर रहेंगे, कुछ लोग मिडल बेसिस के ऊपर रहेंगे, और कुछ लोग आप देखोगे तो बॉटम के ऊपर रहेंगे। एज अ पार्ट ऑफ द हायरार्की यू विल फाइंड सम पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी विल बी एट द टॉप, सम विल बी एट द मिडल एंड सम विल बी एट द बॉटम सर। ये कंटिन्यूसली आपको देखने को मिलेगा। ये टॉप मिडल एंड बॉटम का कंसेप्ट क्यों है, उसके पीछे का आप कारण समझने की कोशिश करिए कि जब से इंसानी दिमाग पैदा हुआ है, मतलब जब से इंसान पैदा हुआ है उसके अंदर दिमाग चलना शुरू हुआ है, उसमें कुछ लोग का दिमाग बहुत तेज चलता है। तेज समझ में आता है, बहुत तेज हो रहे हो। तो ये जो तेज चलता है ना जिसका दिमाग, वो शासक बन जाता है, और वो शासक बनने के कारण अपने नीति नियम बन के आएगा, अपनी रीत रिवाज बनाएगा, अपने रूल्स रेगुलेशंस को एस्टेब्लिश कराएगा। और जो लोग का दिमाग थोड़ा मीडियम चलता है वो यहाँ रहते हैं, और जिनका दिमाग ज़्यादा नहीं चल पाता वो बेचारे नीचे रह जाएंगे सर, ठीक है। तो कोई भी समाज हो गया, वो आधुनिक पीरियड हो गया है या मध्यकालीन हो गया है या मैं कहूँगा एंशियंट पीरियड हो गया,
बीट एंशियंट मिडिवल और द मॉडर्न फेज, याद रखेगा हमको एविडेंसेस मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हायरार्की के. सोशल हायरार्की विल ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि इवन जो नॉन ह्यूमन सोसाइटी उसमें भी कुछ इस प्रकार की हायरार्की तो है ही सर. उसमें आपको प्रीडेटर्स दिखेंगे, आप देखोगे ये फूड चेन के अंदर बड़े बड़े बाघ है, टाइगर है, सबसे ऊपर रहते हैं, फिर नीचे आते हैं बहुत सारे सर, ठीक है. तो वो सब बातें तो आपको कॉमन दिख रही है ना, ऑल दिस थिंग्स यू आर फाइंडिंग इन कॉमन सर, ठीक है. तो हम लोग जब इनके सोशल डिफरेंसेस को ट्रैक करते हैं तो पहला प्रश्न यहाँ से दो उभर के आया है कि इनकी सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है, हाउ डिड द सोसाइटी फंक्शन. दूसरा प्रश्न ये आता है कि वॉज देर एनी सोशल क्लासेस, क्या इनके अंदर कोई सामाजिक क्लासेस हुआ करते थे जहाँ ऊपर नीचे होता था सर चीज़ों को. तो हमको बहुत सारी चीज़ें मिली है, एक तो बरियल मिले हैं बहुत सारे सर. बरियल का मतलब है कि इनके डेड बॉडीज हमको मिले हुए हैं. ये डेड बॉडीज़ को जिस तरह से दफनाया गया है उसमें से कुछ कुछ चीज़ों देख के हमको लग रहा है कि कुछ कुछ लोग अमीर होंगे सर, रिच पीपल. क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो बरियल हमको मिले हैं उसमें काफ़ी लोगों ने ज्वेलरी पहन के रखी है. अब कोई इंसान ज्वेलरी पहन के उसको दफना दिया गया है, मतलब क्या दर्शाता है? उसके पास पैसा था उस टाइम पे, उसके पास संपत्ति थी, वो अपना विल लिख के गया था. विल समझ में आता है ना, अपनी आखिरी इच्छा लिख के गया था. खैर उस टाइम पे पेपर तो था नहीं, कहीं और लिखा होगा सील्स के ऊपर कि भाई मैं जा रहा हूँ, पर मेरे को दफनाया जाए जिस हिसाब से. उस टाइम पे बरियल दो प्रकार से होते, मतलब डेड बॉडी का जो आखिरी जो अंत्येष्टि है वो दो प्रकार से होता था. कुछ कुछ डेड बॉडीज़ को बरी करते थे, कुछ कुछ को क्रीमेट करते थे. क्रीमेट करने का मतलब है अग्निदाह देते थे, जैसे आज भी देते हैं सर, ठीक है. तो ऐसा नहीं था कि 100% बरियल था. पर बरियल से एक चीज़ हमको देखने को मिल रही थी इतिहास में, वो ये था कि वी कम टू नो अबाउट कि यहाँ जिस तरह से लोगों को बरी किया गया है, उनकी बॉडीज के ऊपर से हमको जो ज्वेलरी मिली है, इनफैक्ट उनके आजू बाजू में आपको पॉटरी दिख रही है, तो लगता है कि ये बंदा अमीर था, ठीक है. तो देर वर क्लासेस, ये सोशल क्लासेस थे बेस्ड ऑन द इकोनॉमी. ये एक बहुत बड़ा ओपन प्रश्न, इनफैक्ट आपके लिए इंडस वैली के लोग छोड़ के गए हैं, क्योंकि हमको डायरेक्टली इसके पीछे एविडेंसेस नहीं पता है. वी एक्चुअली डू नॉट नो द डायरेक्ट एविडेंसेस कि इनके यहाँ पे जो सामाजिक रचना थी वो आर्थिक बेसिस के ऊपर थी कि नहीं थी. ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आप मोटा मोटा पिक्चर समझने की कोशिश करिए कि भारत में आज के समय पे जो भी आर्थिक समाज का निर्माण हुआ है या लोगों की आर्थिक परिस्थिति है, वो आर्थिक परिस्थिति एट टाइम्स अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो व्यक्ति की सामाजिक स्थिति के ऊपर से है सर. अ पर्सन्स इकोनॉमी आई वुड से, और अ पर्सन्स इकोनॉमिक बेसिस इज बेस्ड ऑन दी आई वुड से द सोशल कंडीशंस ऑफ इस. अगर आप कोई एक समाज से बिलोंग करते हो तो आपकी आर्थिक स्थिति शायद अच्छी भी हो सकती है हिस्टोरिकल बेसिस के ऊपर से, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें लेगेसी के रूप में आई. ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था इन वेरियस जजमेंट. खास करके आप समझने की कोशिश करिए कि जब मंडल का रिजर्वेशन का इशू था तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है ये आर्थिक रूप से कुछ कुछ समाज पिछड़े रह गए क्योंकि वो सामाजिक रूप से पिछड़े थे इसके लिए, तो उन्हीं को ही खाली फिर रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए सर, है ना. फिर क्रिमिलेयर का कंसेप्ट आपको दिखेगा. खैर उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, कभी बाद में बात करेंगे जो पॉलिटी का एंगल आएगा तब. अब देखने की कोशिश करते हैं कि हड़प्पीय सभ्यता में इनकी सामाजिक रचना कैसी हुआ करती थी और ये किस तरह से अपना जीवन चलाते थे सर, ठीक है. तो आर्कियोलॉजी ने बहुत सारा स्टडी किया और स्टडी करने के आधारित इनफैक्ट इन्होंने देखने की कोशिश की कि हड़प्पिया सभ्यता के अंतर्गत इनफैक्ट सामाजिक और आर्थिक रूप से कोई डिफरेंसेस थे कि नहीं थे, और डिफरेंसेस थे तो हमको कहाँ से पता चल रहा है. तो मोस्ट प्रॉब्ली बाय स्टडिंग दी बरियल्स, यहाँ पे जो डेड बॉडीज़ को दफनाया गया था, वो डेड बॉडीज़ को दफनाने के आधार के ऊपर हमको पता चला कि भाई इनके अंदर कुछ सामाजिक और आर्थिक रूप से एक हायरार्की क्रिएट की गई थी. जैसे कि ये एक बरियल आपको दिख रहा है, इससे हमको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज मिलता है. पहला नॉलेज ये बरियल से हमको मिलता है वो है कि इनकी एनाटॉमी की स्टडीज जब की जाती है, खास करके स्केलेटल स्टडीज़ को,
तो उनके जेनेटिक्स के बारे में हमको पता चलता है, वी कम टू नो अबाउट द जेनेटिक्स, इनके बोन्स कैसे बने होते हैं, कैल्शियम किस तरह सा है, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी मतलब हाइट कितनी थी इनकी सर, है ना, क्योंकि स्केलेटन के ऊपर से हमको हाइट भी मिल जाएगी सर, ठीक है। दूसरी, ये बरियल के आजू बाजू में अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, इफ़ यू आर एबल टू सी ओवर हियर, व्हाट डू वी सी, वी फाइंड सम काइंड ऑफ पॉटरी, और ये पॉटरी दर्शाती है कि ये बंदा रिच होगा, या इनका एक रिचुअल है, इनका एक कुछ इनकी मान्यता होगी, इनकी एक श्रद्धा होगी, एक आस्था होगी, या तीसरा एक पॉइंट हो सकता है कि दिस पीपल बिलीव इन आफ्टर लाइफ, जीवन के बाद भी, और जीवन के बाद किस तरह से जीवन चलना चाहिए उनके बेसिस के ऊपर ये लोग मानते होंगे सर, गेटिंग माय पॉइंट, और इसके कारण हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो इंसान है ये शायद एफ्लुएंट क्लास से बिलोंग करता होगा, क्योंकि सबके पास इस तरह के बरियल्स नहीं मिले, हड़प्पा के अंदर, मोहनजोदड़ो के अंदर, लोथल के अंदर जब डिस्कवरी की गई, व्हेन मल्टीपल थिंग्स वर एक्चुअली एक्सकेवेटेड आउट, ये एक्सकवेशन करने के बेसिस के ऊपर से हमको बहुत सारी चीज़ें मिली है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं मिला है, कुछ कुछ के अंदर आपको ये पॉटरी मेरे पीछे आप जो देख रहे हो वो नहीं मिल रही है, किसी में प्लेन बरियल दिखाई है, किसी में आपको जॉइंट बरियल दिख गए, जॉइंट का मतलब है एक के साथ 15-16 कब्रें आपको दिख रही है सर, ठीक है। कुछ कुछ एरियाज में आपको मैं कहूँगा कि पुरुष और स्त्री दोनों का स्केलेटन जॉइंट दिख रहा है सर, मेल फीमेल की कपल बरियल्स आपको दिखेंगे, यू विल फाइंड एग्जाम्पल ऑफ कपल बरियल्स, हाँ हस्बैंड वाइफ होंगे सर, लैला मजनू, हीर राजा, समझे कि नहीं समझे, हाँ, तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंगली पॉइंट आपको यहाँ पे दिखेंगे, यू विल फाइंड द कपल बरियल्स ओवर हियर। तो ये सब चीज़ें प्रोमिनेंटली हमको बताती है कि हड़प्पिया सभ्यता के अंदर एक प्रकार की सोशल हायरार्की थी, और इसके लिए एनसीआरटी भी कहता है कि दिस इंक्लूड द स्टडिंग ऑफ बरियल्स, यू प्रोबेबली आर फैमिलियर विद द मैसिव पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, सम ऑफ विच वर कंटेम्प्ररी विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन सेम है, मेनी ऑफ दिस पिरामिड्स वर रॉयल बरियल्स वेयर एनमर क्वांटिटीज ऑफ द वेल्थ वॉज बरीड, इजिप्ट के पिरामिड्स के अंदर तो बहुत सारा सोना भी हमको मिल जाता है, हड़प्पा के अंदर भी हमको पता चल जाता है कि पिट बरियल क्रिएट किया गया है, पिट का मतलब है खड्डे खोद के इनफेक्ट बरियल क्रिएट करवाने की कोशिश की गई है, यही बरियल्स का जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हमको पता चलता है कि बहुत सारे इंस्टेंसेस मिलेंगे सर, ठीक है। सो देर वर डिफरेंसेज इन द वे ऑफ द बरियल पिट वॉज मेड, सम इंस्टेंसेज द हॉलोड आउट स्पेसिस वर लाइंड विद द ब्रिक्स, मतलब कुछ कुछ जगह के ऊपर जब खड्डे खोदे गए हैं तो उसको ब्रिक बेस्ड कॉफिन बनाने की कोशिश की गई है, आप समझने की कोशिश करिए, और कुछ कुछ में ऐसे ही सीधी दफना दी गई है। जब जब हम लोग बरियल को लाइंड विद द ब्रिक्स के साथ जोड़ते हैं, जब हमको पता चलता है कि डेड बॉडी को दफनाने के आजू बाजू में आप देखोगे तो यहाँ पे एक पूरा ब्रिक का आपको एक खड्डा दिखेगा, यू विल फाइंड अ ब्रिक बरियल सर, है ना, नीचे भी ब्रिक का लेआउट होगा, ठीक है। तो इनके बेसिस के ऊपर से हम लोग ये कह सकते हैं बेस्ड ऑन द स्टडिंग कि ये एक प्रकार का विशेष कॉफिन है, दिस थिंग शोज सम काइंड ऑफ अ स्पेशल कॉफिन, जहाँ पे डेड बॉडी को ले आउट किया जाता होगा सर, ठीक है। और ये चीज़ आपकी एक सोशल प्रिविलेज को दर्शाता है, क्योंकि सब जगह के ऊपर तो हमको ये मिले नहीं है, एनसीईआरटी इसके ऊपर एक ओपन एंडेड बोल देता है, कुड दिस वेरिएशन बी एन इंडिकेशन ऑफ सोशल डिफरेंशिएशन, क्या ये वेरिएशन हमको सामाजिक रूप से इनके बीच में जो डिफरेंसेज है उसको दर्शाता है, वी आर नॉट श्योर। क्यों नॉट श्योर है, क्योंकि अभी तक हड़प्पन्स ने इस प्रकार हर एक जगह के ऊपर हमको एविडेंसेस नहीं मिले हैं, इसके लिए नॉट श्योर का कंसेप्ट हमको मिल जाएगा सर, ठीक है। तो सोशल डिफरेंसेस का स्टडी करने का सबसे मुख्य हमारे लिए जो बेस बन जाता है वो बरियल मिल जाता है, बरियल्स का स्टडी करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको पता चलेगा कि इनकी सोसाइटी के अंदर किस प्रकार का ऊंच नीच हुआ करता था और ये लोग बेसिकली किस तरह से अपने जीवन को चलवाते होंगे सर, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं कि इनकी बरियल की स्टडीज करते करते हमको क्या क्या चीज़ें मिली है सर, ठीक है। लिखा गया है कि सम ग्रेव्स कंटेन पॉटरी, कुछ कुछ ग्रेव्स के अंदर हमको पॉटरी मिली है, सम ग्रेव ऑल्सो कंटेन्स ऑर्नामेंट्स, हमको यहाँ पे बहुत सारे जेवरात भी मिले हैं। अब क्या पॉटरी एंड जेवरात मिलना और ऑर्नामेंट्स मिलना ये चीज़ दर्शा रही है, डज दिस थिंग शोज कि यहाँ पे इनफैक्ट ये जो लोग थे ये अमीर लोग थे सर, दे आर रिच पीपल, सम ग्रेव्स के अंदर ना, सब बरियल्स के अंदर नहीं मिल रहा है सर, ठीक है। और रिच पीपल दर्शाता है कि ये लोग सोशली एफ्लुएंट क्लास के अंदर थे, हो सकता है कि ये लोग राजा होंगे या रॉयल फैमिली से जुड़ने वाले लोग थे सर, ठीक है। या दूसरा हो सकता है कि आदमी मर गया है, इंसान मर गया है, पर उसको अगले जीवन में ये सब चीज़ें काम में आएगी, आफ्टर लाइफ का एक कंसेप्ट आता है सर, ठीक है। आफ्टर लाइफ का मतलब क्या है कि भाई इंसान मर गया है
पर मरने के बाद भी उसको चीज़ें उपयोग में आ सकती है, इसके लिए उसको बाजू में दफना दो सर, ठीक है। सो वी सी दैट मल्टीपल बेजेस कैन बी दियर, इसके बेज आप देखोगे तो एक से ज़्यादा हमको मिलेंगे, और एक से ज़्यादा बेजेस को भी जब हम लोग इसके ऊपर देखने की कोशिश करते हैं तो हमको समझ में आ रहा है कि इन्होंने जो जिन जिन चीज़ों का निर्माण किया है उसके बेसिस के ऊपर हम लोग ये मेहन मान सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये आफ्टर लाइफ के कंसेप्ट के अंदर भी मानते थे सर, ठीक है। इनफैक्ट इनके बरियल से हमको बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है सर। ऑर्नामेंट्स मतलब यहाँ पे ज्वेलरी डिज़ाइनर होगा कोई, दे माइट बी ज्वेलरी डिज़ाइनर सर, ठीक है, ये लोग को जानती होगी, दे नो द टेक्निक, है ना, सोनार कहते हैं हम लोग उसको, ये इसी को ही गोल्ड स्मिथ कहा जाता है आज की तारीख के अंदर सर, जो सोनार कम्युनिटी है उसके साथ। तो क्या हड़प्पिया सभ्यता के अंदर यहाँ पे जो ऑर्नामेंट्स मिले ये एविडेंसेस दर्शाता है कि सोसाइटी में एक क्लास ऑफ सेक्शन ऐसा होगा जो ये गोल्ड स्मिथ का काम करता होगा, द पर्सन विल बी डूइंग द गोल्ड वर्क ऑफ गोल्ड स्मिथ, और ये जो व्यक्ति गोल्ड स्मिथ का काम करता होगा ये बेसिकली सोसाइटी में इसकी एक वैल्यू होगी, इसकी एक हायरार्की होगी, राइट सर, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप देखने की कोशिश करिए, यहाँ बोला गया है ज्वेलरी हैज बीन फाउंड इन द बरियल्स ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन, स्त्री और पुरुष दोनों के इनफैक्ट बरियल्स के अंदर हमको ज्वेलरी मिली है, मतलब इवन द मेन वर फॉन्ड ऑफ वेयरिंग अ ज्वेलरी, है ना, 50 तोला लोग पहनते होंगे सर, अलग अलग प्रकार की चीज़ें हम लोग इसके अंदर से कंज्यूम सोच सकते हैं सर, ठीक है। सो ज्वेलरी हैज बीन फाउंड इन द बरियल्स ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन, स्त्री पुरुष दोनों के इनफैक्ट कवर के अंदर हमको ज्वेलरी मिल जाती है, तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंगली आपके ट्रेंड को दर्शाती है सर, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश करिए कि जब हम लोग ये मैन वुमेन दोनों के ट्रेंड को देखते हैं, बरियल के ट्रेंड को, इनके बेसिस के ऊपर से हम ये कह सकते हैं कि इनके सोसाइटी थोड़ी मटेरियलिस्टिक भी होगी सर। मटेरियलिस्टिक क्यों? क्योंकि आप ज्वेलरी पहनते हो, ये क्या दर्शाता है, मतलब लोग कभी कभी आपने देखो ये पांचों उंगलियों के अंदर रिंग पहनेंगे, यहाँ बड़ा बड़ा सोना पहन के कड़ा पहन के चलेंगे, और फिर एक काइंड ऑफ, है ना, होता है ना कि शोमैनशिप होती है सर, काइंड ऑफ, है ना। तो क्या हड़प्पिया सभ्यता के अंदर भी मैं ये मान सकता हूँ और मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि इनके यहाँ पे भी जिस प्रकार की इनफैक्ट, है ना, ये चीज़ों का इन्होंने निर्माण किया है उसमें ज्वेलरी मैन और वुमेन दोनों पहनते थे, तो ये चीज़ एक विशेष प्रकार की मटेरियलिस्टिक वेल्थ को, संपत्ति को दर्शाता है, एक ऐसी भी पॉइंट हो सकती है सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो वी सी दैट बहुत इंटरेस्टिंगली पॉइंट हमको यहाँ दिखेगी। अब आप समझने की कोशिश करिए, हड़प्पा के अंदर एक सिमेट्री मिली है, सिमेट्री समझ में आता है, एक ऐसी प्लेस जहाँ पे लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेड बॉडीज़ को इन्होंने दफनाया होगा सर, ठीक है। सिमेट्री मिलने का मतलब ये है कि दे नो द प्लेस ऑफ बरियल सर, ठीक है, हड़प्पन्स को एक प्लेस ऑफ बरियल के बारे में भी नॉलेज था, इनको पता था कि भाई अब हम लोग कोई भी इंसान मरेगा तो कोई एक जगह के ऊपर ही दफनाएंगे सर। आज की तारीख में भी आप देखने की कोशिश करिए सर, ठीक है, सिमेट्रीज या आपको कब्रिस्तान जिसे हम लोग पहचानते हैं उसकी एक फिक्स जगह होती है हर एक सिटी के अंदर, हर एक टाउन के अंदर, हर एक गाँव के अंदर, कम्युनिटी वाइज आपको दिख जाएगी। क्यों मिलती है? क्योंकि लोग अपनी फेथ के हिसाब से, लोग अपनी श्रद्धा के हिसाब से, उनके जो भी रिचुअल्स होंगे उसके हिसाब से, अपने जो भी लव्ड वंस हैं, उनके जो भी जो मैं कहूँगा कि फैमिली मेम्बर जिसका मृत्यु हो गया है उसको दफनाते हैं। हड़प्पा में एक सिमेट्री मिली है, ये सिमेट्री के अंतर्गत आपको बेसिकली रिंग्स दिखेंगी, और ये रिंग्स के अंतर हमको पता चलता है कि वी कम टू नो कि वहाँ पे आपको पत्थर दिख जाते हैं, आपको, है ना, पत्थर दिखते हैं। तो यू माइट हैव नोइंग अबाउट कि आज की तारीख के अंदर लोग अलग अलग प्रकार के ग्रह की रिंग पहनते हैं सर। किसी का सूर्य भारी होता है तो जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ना, एस्ट्रोलॉजर्स आप बिलीव करते हो तो बात अलग है, पर जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं दे विल वेयर सम काइंड ऑफ स्टोन्स, विशेष स्टोन्स, है ना, लाल कलर का पत्थर पहनेंगे, या आप समझने की कोशिश करोगे ग्रीन कलर का पत्थर पहनेंगे या ब्लू कलर का पत्थर पहनेंगे सर, है ना, सोने की रिंग के अंदर सर, ठीक है, वैसी ही आपको यहाँ पे दिख जाएगी सर, है ना। सो यू विल फाइंड थ्री शेल रिंग्स एंड अ काइंड ऑफ अ सेमी प्रीशियस स्टोन बीड एंड हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स नियर द स्कल ऑफ अ मेल, मतलब एक इंसान है, पुरुष का स्कल है, उसके आजू बाजू में आपको यहाँ पे रिंग दिख रही है सर, ठीक है। तो क्या ये मान सकते हैं कि दे वर फॉलोइंग जस्ट फॉर द वे ऑफ रिचुअल्स और दे वर हैविंग सम काइंड ऑफ मटेरियलिस्टिक आई वुड से इंटरेस्ट इन टू वेयरिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ क्लॉथ्स या दिस काइंड ऑफ ज्वेलरी सर, ठीक है। तो ये ज्वेलरी पहनना इनके पीछे का कारण काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये ज्वेलरी पहनने का पीछे का मुख्य कारण शायद धर्म भी हो सकता है, शायद इनकी मान्यता भी हो सकती है, यह हो सकता है ये मटेरियलिस्टिकली इनको लगता होगा कि कुछ तूफानी करता है, लेट्स डू समथिंग तूफानी इन द फॉर्म ऑफ मटेरियलिस्टिक वे, इसके लिए भी इन्होंने ज्वेलरी पहनने की कोशिश की है सर, ठीक है।
वी ऑल्सो फाइंड, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए क्या लिखा गया है, इन सम इंस्टेंसेज द डेड वर बरीड विद कॉपर मिरर्स, कुछ कुछ जगह के ऊपर तो हमको कॉपर के मिरर्स दिखते हैं। अब देखने की कोशिश करिए सर, ठीक है मिरर्स दिखते हैं, मिरर्स कहाँ पे दिखेंगे सर, है ना, डेड बॉडीज के सर, वो भी कॉपर के सर, ठीक है तांबे के। अब कॉपर मैंने आपको बताया ये लोग कहाँ से लेके आते थे, तो खेतरी नामक जगह के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था, राजस्थान में सर, ठीक है। तो खेतरी इनके लिए काफ़ी एक अच्छा सोर्स था जहाँ से ये लोग कॉपर लेके आते होंगे, और फिर उसको ब्रॉन्ज के साथ मिक्सअप, टीन के साथ मिक्सअप करके इवेंचुअली दे यूज़ टू मेक अ ब्रॉन्ज आर्टिफैक्ट, वो लोग ब्रॉन्ज की जो भी अलग अलग खिलौने थे वो भी बनाते थे सर, ठीक है। तो वी सी द इंस्टेंसेस दैट द डेड वर बरीड विद कॉपर मिरर्स, यहाँ पे इन्होंने डेड बॉडीज को कॉपर मिरर के साथ बरी किया था। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंगली आपको आस्पेक्ट दिखेगा जो इनकी सिविलाइजेशन को एक अलग रूप से इनफैक्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है सर, ठीक है। मिरर्स का यूज़ करने का मतलब क्या है सर, ठीक है, ये लोग फैशन कॉन्शियस होंगे सर, ठीक है। मिरर्स का यूज़ करने का मतलब क्या है, हम आज आईने में देखते हैं ना, सजना है मुझे सजना के लिए सर, ठीक है, तो ये क्यों करते होंगे सर, है ना, उसके पीछे कुछ तो कारण आपको दिख जाएगा। खैर, तो इन सब बेसिस के ऊपर हमको पता चलता है कि हड़प्पा में अलग अलग पॉइंट्स मिले, पर मेजोरिटी बरियल्स हमको जो मिले हैं उसके अंदर हमको ये मिल रहा है कि हड़प्पन्स डिड नॉट बिलीव इन बरिंग प्रीशियस थिंग्स विद द डेड। मतलब हर बार ये लोग नहीं मानते थे कि हमारे पास जो कीमती चीज़ें हैं वो इंसान के मृत शरीर के साथ दफना दी जाए। तो ओनली फ्यू सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी और ओनली इन द लिमिटेड पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी वी कैन कंक्लूड दैट द डेड वर बरीड अलोंग विद प्रीशियस थिंग्स। प्रीशियस थिंग्स में आपकी ज्वेलरी हो गई, बीड्स हो गए, मणके हो गए सर, आपको मोती दिख जाएंगे अलग अलग प्रकार के सर, ठीक है। उन सब के साथ चीज़ों को बरी करने की इन्होंने कोशिश की है सर, राइट सर, ठीक है। तो ये बरियल की कहानी आपको क्लियर हो गई, यू गॉट द बेसिस ऑफ द बरियल्स। ये बरियल के बेसिस के ऊपर से हम लोग ये मान सकते हैं, बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ द बरियल्स वी कैन कंक्लूड दैट द हड़प्पन्स हैड सम काइंड ऑफ सोशल डिफरेंशिएशन। वो तो हमको क्लियर हो गया है कि इनके बीच में एक सामाजिक रूप से डिफरेंशिएशन तो था। ये डिफरेंशिएशन सामाजिक रूप से कैसे था वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरह से चीज़ें चलती हैं सर, ठीक है। अब आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी सोसाइटी के अंदर जिस तरह से चीज़ों का उत्पादन हो रहा था, ये उत्पादन के अंदर कुछ कुछ चीज़ें हमको लग्जरी के रूप में दिखेगी। लग्जरी का मतलब है कि थोड़ा बहुत पैसे वाली चीज़ें आपको दिख जाती है सर, ठीक है। और इन्हीं बेसिस के ऊपर से हमको पता चलता है कि जब सोसाइटी में लग्जरी का डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ कुछ चीज़ें उस समय के लिए बहुत एडवांस है। जैसे हम लोग आज की तारीख में कहते हैं कि भाई ये बंदा गाड़ी लेके चल रहा है, अब गाड़ी लेके चलना लग्जरी नहीं है, गाड़ी आप देखोगे तो अब नॉर्मल हो गया। पर कोई बंदा चार छल्ले वाली गाड़ी लेके चल रहा है ना, ऑडी, तो हम कहेंगे कि भाई लग्जरी गाड़ी लेके चल रहा है सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑफ ऑन। तो यहाँ पे भी यही कहानी आपको दिखेगी, हड़प्पन्स के अंदर जो सोशल डिफरेंसेस को अगर आपको देखना हो तो आपको देखनी पड़ेगी इनके द्वारा मिली हुई चीज़ें, ये इनके द्वारा जो भी चीज़ों का उत्पादन होता था और इनके द्वारा जो भी चीज़ों का इनफैक्ट उपयोग होता था, इन्हीं का अभ्यास जब हम लोग करेंगे, व्हेन वी विल बी ट्राइंग टू स्टडी द थिंग्स दैट वर एक्चुअली डेवलप्ड बाय दिस पीपल, तो इनके अभ्यास के द्वारा भी हमको पता चलता है कि वी गेट इंस्टेंसेस कि ये लोग क्या क्या बनाते थे और किस तरह से इनफेक्ट है ना अपनी जो प्रोडक्ट्स है बेसिकली उसको डेवलप कराते हैं सर, ठीक है। सो अनदर स्ट्रेटजी टू आइडेंटिफाई द सोशल डिफरेंसेज इज टू स्टडी द आर्टिफैक्ट्स। अलग अलग प्रकार के हमको खिलौने मिले हैं, हमको अलग अलग प्रकार के ब्रॉन्ज के एविडेंसेज मिले हैं, हमको अलग अलग प्रकार के कॉपर के एविडेंसेज मिले हैं। तो कॉपर ब्रॉन्ज के जितने भी एविडेंसेज है उसको जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उनके बेसिस के ऊपर से हमको पता चलता है कि कुछ कुछ चीज़ें यूटिलिटेरियन हैं। यूटिलिटेरियन मतलब जो सबके लिए है ना, ग्रेटर गुड टू ग्रेटर पीपल सर, मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ऐसा कार्य करना चाहिए जहाँ अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा मिले, अधिक से अधिक लोगों को खुशी मिले सर, ठीक है, उसको यूटिलिटेरियन आस्पेक्ट कहते हैं। हड़प्पिया सभ्यता के अंदर भी हम लोग मानते हैं कि ये जो यूटिलिटेरियनिज्म है ये एग्जिस्ट किया करता था, जहाँ कुछ कुछ चीज़ें कॉमन थी सबके लिए, कुछ कुछ चीज़ें कॉमन नहीं हुआ करती थी। लग्जरी इज समथिंग दैट वॉज नॉट कॉमन फॉर ऑल द पीपल। और हम लोग जब इनफैक्ट कुछ कुछ चीज़ें अनकॉमन मानते हैं, कुछ कुछ चीज़ें हम लोग नॉट कॉमन मानते हैं, तो उसी को लग्जरी के रूप में, और ये कॉस्टली भी होगी सर, ठीक है। तो यूटिलिटेरियन एक ऐसी चीज़ है जो मूल तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑर्डिनरी मटेरियल से बनी हुई है,
जो स्टोन और क्ले से बनी हुई है, और जनरली उसमें कॉमन मैन उसको डेली यूज करता था, तो उससे हमको सोसाइटल डिफरेंसेस समझ में नहीं आएंगे। वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द सोसाइटल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन दी कॉमन थिंग्स दैट वर फाउंड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द सिटी, वो चाहे स्टोन की हो गई, वो चाहे क्ले की हो गई, केडिंग माई पॉइंट ऑर नॉट। कुछ कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि आपको क्वंस के रूप में दिखेगी। क्वंस मैंने आपको कल बताया, सैडल क्वन, जो वो पत्थर को कूट के उसके ऊपर ग्रेवी बनाते थे सर, ठीक है। पॉटरी दिखती है, नीडल्स दिखती है, फ्लैश रबर्स दिखते हैं सर, है ना, जो बॉडी को स्क्रब करने के लिए यूज होते थे हेल्थ एंड हाइजीन के लिए। दे आर फाउंड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेटलमेंट्स। हड़प्पा के जितने भी शहर निकले हैं, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, सब जगह के आपको ये चीज़ कॉमन दिख रही है। सो द कॉमन पीपल यूज टू कंज्यूम ऑल दिस थिंग्स इन द डेली लाइफ, सो दिस वॉज नॉट अ न्यू थिंग फॉर देम। बट इन सम पार्ट्स ऑफ द सिटी, शहर के कुछ विस्तारों के अंदर, वी फाइंड सर्टेन टूल्स एंड सर्टेन आर्टिफैक्ट्स विच वर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे यार कुछ लोग रहने वाले होंगे, वो अमीर लोग होंगे। आप समझने की कोशिश करिए, हाइपोथेटिकली एक शहर है, और एक शहर के अंदर से फॉर एग्जाम्पल जितने भी एरियाज है, हर एक एरिया के अंदर आपको कार दिख जाती हैं। आज की तारीख की मैं बात कर रहा हूँ सर, हर एक एरिया के अंदर से फॉर एग्जाम्पल आपको बाइक दिख जाता है, तो हम कहेंगे कि दिस आर वेरी कॉमन, है ना। ये जितना भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एरिया है एक सिटी के अंदर, बट कुछ ही एरिया है जहां घरों के अंदर हमको स्विमिंग पूल दिख रहा है सर, ठीक है। इन सम पार्ट्स ऑफ द सिटी वी डू गेट स्विमिंग पूल। तो कार एंड बाइक आर फाउंड इन ऑल द एरिया, तो मैं कहूंगा कि ये तो यूटिलिटेरियन है, कि ये तो कॉमन है, ये सबके बीच में यूनिफॉर्म है। पर स्विमिंग पूल इज फाउंड ओनली इन सर्टेन एरिया, से फॉर एग्जाम्पल ऊपर के दो एरियाज में ही आपको स्विमिंग पूल दिख रहा है, 1 नंबर और 2 नंबर के ऊपर, तो मैं क्या कहूँगा कि भाई ये तो लग्जरी है। और जब इनफैक्ट शहर का एनालिसिस किया गया बाहर के लोगों के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि भाई 1 नंबर और 2 नंबर में रहने वाले जो लोग थे सिटी के ऊपर के पार्ट में फॉर एग्जाम्पल, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ के सामाजिक रूप से ये लोग थोड़े अमीर लोग होंगे, क्योंकि स्विमिंग पूल बनवाना और उसके बाद उसको मेंटेन करना एक लग्जरी है। खैर गाड़ी भी लग्जरी है नो डाउट, बट स्टिल अभी भी हम कह देते हैं कि भाई चलिए एक्सेप्ट पेट्रोल के दाम सर, ठीक है ना, बाकी सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेगी तो आप उसको चला सकते हो सर, है ना, गेटिंग माय पॉइंट। पर स्विमिंग पूल बहुत महंगा पड़ता है दोस्त, क्यों? क्योंकि उसको बनाना, उसके लिए जगह चाहिए, उसके लिए पानी, उसको है ना हर मंथली 15 दिन में पानी बदलना, फिल्टर करना, कितनी सारी चीज़ें होती है सर, है ना, ध्यान रखना उसको। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं, कैन वी कम टू अ कंक्लूजन कि देर आर सर्टेन टूल्स ऑफ लग्जरी विच आर वेरी रेयर, देर आर सर्टेन टूल्स विच आर वेरी आई वुड से अवेलेबल नॉट ईजिली, और इनफैक्ट विच वर मेड आउट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी। और जो जो एरिया में ऐसे टूल्स, ऐसे आर्टिफैक्ट्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिली है, हम ये मान के चलेंगे कि ये अमीर लोग थे और इनके बेसिस के ऊपर इनका सोशल डिफरेंशिएशन कर पाएंगे सर। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है आपको कि अगर आपको सोशल डिफरेंशिएशन करना है एक शहर का, तो आपने कुछ कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई किया। आज के तारीख के अंदर आपने देखा कार एंड बाइक सब जगह के ऊपर है, पर स्विमिंग पूल सब जगह के ऊपर नहीं है। स्विमिंग पूल सब जगह के ऊपर नहीं है तो आप कहेंगे कि भाई यार ये 1 नंबर और 2 नंबर का जो एरिया है ये बहुत ही लग्जरियस एरिया है, यहाँ लोग अमीर लोग रहते होंगे। हड़प्पीय शहरों में भी ऐसी चीज़ें मिली हैं। वी फाइंड क्वांस, पॉटरी, नीडल्स एंड फ्रेश रबर्स, काइंड ऑफ बॉडी स्क्रबर। ये बॉडी स्क्रबर से हमको समझ में आता है कि ये लोग हेल्थ एंड हाइजीन में कितना ध्यान रखते होंगे सर। स्क्रबर समझ में आता है कि नहीं आता आपको सर? ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, है ना, स्क्रबर समझ में आता है ना आपको? कचरा निकालने के लिए बॉडी के ऊपर घिसते हैं ब्रश की तरह, हाँ समझे? तो ये हड़प्पंस क्या करते थे, हड़प्पंस यूज टू डू दिस। तो ये चीज़ दर्शा रही है कि ये बहुत एडवांस लोग थे सर, ये चीज़ दर्शा रही है कि ये लोग हेल्थ हाइजीन का ध्यान रखते थे। और ये सब जगह पे मिलता है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट ऑल द सेटलमेंट्स। जितनी भी सेटलमेंट है उन सब के अंदर आपको ये डिस्ट्रीब्यूटेड दिख जाएगी सर, ठीक है। बट ओवर एंड अबाउ जब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, व्हेन वी सी द अदर लग्जरीज, कुछ कुछ एरियाज में आपको बहुत ही रेयर चीज़ें दिखेगी जो नॉन लोकली अवेलेबल है, कहीं और से लेके आए, और कहीं और से लेके आए और विशेष विस्तार में ले है, तो हम कहेंगे कि ये अमीर लोगों का घर होगा, ये अमीर लोगों की सेटलमेंट होगी सर, ठीक है। क्या क्या चीज़ें मिली हैं,
हमको फाइंस करके एक मटेरियल मिला है। ये फाइंस बेसिकली अगर आप समझने की कोशिश करोगे कि इट्स अ मटेरियल मेड ऑफ ग्राउंड सैंड और सिलिका मिक्स विद द कलर एंड गम एंड देन फायर्ड, मतलब एक बेसिकली एक पत्थर टाइप है जहाँ पे मट्टी होती है, मट्टी को थोड़ा इन्फेक्ट है ना कलर के साथ मिक्स करके उसके साथ गम ऐड करते हैं, गम से वो चिपक जाता है और फिर उसको बेसिकली ये लोग क्या करते हैं कि गर्म करते हैं सर, ठीक है। ये जो फाइंस है, ये फाइंस बनाने की टेक्निक ही बहुत जटिल है सर, द टेक्निक इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, राइट। एंड इन सम पार्ट्स ऑफ द सिटी वी डू गेट द एविडेंसेस ऑफ फाइंस, तो हम ये कह सकते हैं कि ये फाइंस जो भी है ये बहुत प्रीशियस था क्योंकि इसको बनाने का बहुत प्रोसेस डिफिकल्ट था। इन सम एरियाज वी डू गेट इंस्टेंसेस कि ये जो फाइंस है, ये फाइंस आपको सिटी के एक ही विस्तार में मिल रहे हैं। से फॉर एग्जाम्पल ये आपका हड़प्पा है, ये हड़प्पा के एक ही विस्तार में हमको यहाँ पे फाइंस के एविडेंसेस मिले, तो क्या हम ये मानेंगे कि यहाँ पे जो फाइंस के एविडेंसेस मिला है ये कोई रिच लोगों का एरिया होगा या सोशली जो हायरार्की में ऊपर बैठा हुआ है बंदा उसका घर होगा सर, गेटिंग माय पॉइंट। सो बेस्ड ऑन दिस काइंड ऑफ आई वुड से डिस्कवरीज, बेस्ड ऑन दिस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स, द आर्कियोलॉजिस्ट डू कम टू एन एविडेंस, द आर्कियोलॉजिस्ट डू आई वुड से कम टू अ कंक्लूजन कि यार इनके द्वारा जो जो चीज़ों का निर्माण किया गया है, जो जो चीज़ें इनफैक्ट बहुत ही कहेंगे कि लग्जरी के रूप में है सर, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं हम लोग ये मान सकते हैं कि रिच लोग होंगे सर, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस द सिचुएशन बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड व्हेन वी फाइंड व्हाट सीम्स टू बी आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज सच अ स्पिंडल वॉल्स, मतलब बेसिकली कपड़े बनाने के लिए, एंड रेयर मटेरियल्स ऑफ फाइंस, ये दोनों के दोनों एक ही जगह के ऊपर मिल जाते हैं। कहीं कहीं पे फाइंस भी मिल जाता है, कहीं कहीं पे स्पिंडर वॉल भी मिलता है। स्पिंडर वॉल बेसिकली एक प्रकार की, आप देखोगे ना इस प्रकार की एक नीडल टाइप होगी सर, है ना, यूं करके, और इससे लोग कपड़े बनाते थे सर, ठीक है। सो दे यूज टू मेक दिस काइंड ऑफ क्लॉथ, और क्लॉथ बनाने का इनफेक्ट इनका पूरा प्रोसेस आपको यहाँ से दिख जाएगा सर, ठीक है। सो इफ़ यू स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच आर्टिफैक्ट वी कैन फाइंड दैट द ऑब्जेक्ट्स विच आर मेड ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल्स आर जनरली कॉन्सेंट्रेटेड इन लार्ज सेटलमेंट्स लाइक मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एंड रेयरली फाउंड इन द स्मॉलर सेटलमेंट्स, मतलब फाइंस जैसे जो मटेरियल है ये ऐसे कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से बने हुए मटेरियल है वो आपको खाली शहरों के अंदर मिल रहे हैं, और शहरों के अंदर क्यों मिल रहे हैं कि इसको बनाने वाली एक पॉपुलेशन होगी, देयर माइट बी अ पॉपुलेशन जो इसको बना रही होगी, और इसको बनाने वाली जो पॉपुलेशन है वही इनफैक्ट इसी के साथ जुड़ी हुई है। तो छोटे एरिया में आपको ये सब चीज़ें नहीं मिल रही है, ये सब चीज़ें आपको जो भी मिल रही है वो कहाँ मिल रही है, बड़े एरियाज़ के अंदर मिल रही है, यू आर फाइंडिंग इन द बिगर एरियाज़। और जब कोई भी चीज़ बिगर एरियाज़ के अंदर मिलती है तो हम लोग इतना तो आराम से कह सकते हैं और मान सकते हैं कि भाई इन्होंने जो भी चीज़ों का इनफैक्ट डेवलपमेंट किया है, निर्माण किया है, उसके अंतर्गत इन्होंने ये भी ध्यान रखा है कि भाई हम लोग व्यक्तिगत रूप से सर इसका इनफैक्ट है ना प्रोडक्शन करेंगे एंड वो हमारे तक ही लग्जरी के रूप में सीमित रखेंगे सर, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी कम टू नो अबाउट मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स, वी स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने आपको बताया स्मॉलर सेटलमेंट में नहीं मिलती है, द मिनिएचर पॉट्स ऑफ फाइंस मैंने आपको बताया, फाइंस के अलग अलग इन्होंने पॉट्स बनाए थे, परहैप्स यूज द परफ्यूम बॉटल्स आर फाउंड इन द मोस्टली मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा एंड देर आर नन फ्रॉम स्मॉल सेटलमेंट्स लाइक कालीबंगन। अब आप याद रखेगा आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा सर, है ना, ये फाइंस के जो पॉट्स थे वो जनरली किसके लिए यूज़ होते थे, परफ्यूम बॉटल्स के रूप में। अब परफ्यूम बॉटल्स इनफैक्ट आप समझने की कोशिश करिए, ये लोग बनाते होंगे परफ्यूम बॉटल्स बनाते होंगे, तो परफ्यूम बॉटल से क्या मिलता है सर, व्हाट डू वी गेट सर, है ना। इसे हम लोग ये कह सकते हैं कि इनकी सोसाइटी जो थी थोड़ी लग्जरी के अंदर मानती थी, लग्जरी समझ में आता है कि नहीं आता सर, ठीक है। आप जब परफ्यूम की बॉटल बना रहे हो मतलब ये लग्जरी के साथ ही जुड़ी हुई प्रोडक्ट है ना सर, ठीक है ना। सो वी सी एंड वी डू गेट इंस्टेंसेज दैट द परफ्यूम बॉटल्स वर सीन एज एन एग्जाम्पल ऑफ लग्जरी, जहाँ पे इन्होंने परफ्यूम की अलग अलग चीज़ों का इन्फेक्ट है ना चीज़ें बनाई होगी, एक दूसरे को गिफ्ट करते होंगे सर, ठीक है, ये भी चीज़ें दिखती है, और वो भी खाली आपको विशेष एरिया में दिख रही है, कहाँ पे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अंदर। अब देखिए यहाँ से ना मैपिंग का कंसेप्ट आएगा सर, ठीक है, मैं आपको मैपिंग जब लास्ट क्लास आएगा तो आपको मैपिंग करवा दूंगा कि कौन से सिटी से हमको क्या क्या चीज़ें मिली है, विद सिटी वी हैव फाउंड मल्टीपल थिंग्स, है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते रहते हैं, एनसीईआरटी के अंदर से ही क्वेश्चन बहुत बनते रहते हैं। आप लोग के साथ सबसे ज़्यादा दिक्कत ही ये आती है कि आप जब एनसीईआरटी को पढ़ रहे होते हो तो आप लाइन बाय लाइन अंडरस्टैंड, मतलब वहाँ अंडरलाइन करके आगे चल जाते हो सर, बेटा आगे चलो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें पीछे का पार्ट भी देखा करो सर, ठीक है,
और पीछे के पार्ट के अंतर्गत आपको आइडिया रहना चाहिए कि किन किन चीज़ों का निर्माण किया गया है सर, किस हिसाब से सर, ठीक है ना। सो प्लीज़ बी श्योर एंड प्लीज़ बी रेस्ट अश्योर्ड कि आप जब इनफैक्ट चीज़ें देख रहे हो तो उसको एक देखने का तरीका होना चाहिए, नज़रिया होना चाहिए सर, ठीक है। अब आप देखिए कि गोल्ड के बारे में हमको पता चल रहा है, गोल्ड टू वॉज रेयर है ना, गोल्ड भी बहुत ही रेयरली अवेलेबल था सर, है ना, गोल्ड के बारे में एनसीईआरटी लिखती है। एंड एट प्रेजेंट प्रोबेबली प्रीशियस ऑल द गोल्ड ज्वेलरी फाउंड एट हरप्पन साइट्स वॉज रिकवर्ड फ्रॉम होर्ड्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग है सर, ठीक है। एक तो सोना मिलता नहीं है सब जगह के ऊपर, जहाँ पे भी मिला है एक साथ बहुत लार्ज क्वांटिटी में मिला है। होर्ड्स का मतलब समझ में आ रहा है सर, होर्डिंग करना, मतलब ये है कि एक बड़ी क्वांटिटी के अंदर मिलता है। अब कोई भी चीज़ लार्ज क्वांटिटी में मिलती है कुछ एक शहर के अंदर, कुछ एक विस्तार के अंदर, वो भी बड़े शहरों के अंदर, हड़प्पा के अंदर या मोहनजोदड़ो के अंदर, तो ये क्या दर्शा रहा है? दिस थिंग शोज सम काइंड ऑफ सोशल डिफरेंसेस, दिस थिंग शोज सम काइंड ऑफ आई वुड से दी सोसाइटल पार्ट्स सर, गेटिंग अ पॉइंट, समझे कि नहीं समझे? तो वी फाइंड मल्टीपल थिंग्स, हमको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। और हम लोग जब इसको पढ़ते हैं, वेन वी ट्राई टू स्टडी ऑल दिस पॉइंट्स, हम आराम से इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं और इसको आइडेंटिफाई करवा सकते हैं कि इनके पास जो जो चीज़ें मिली है, द थिंग्स दैट वी हैव एक्चुअली फाउंड, वो सब चीज़ें इनफैक्ट लग्जरी के रूप में मिलती हैं, खास करके फाइंस। ये फाइंस के पॉट्स मिले हैं, ये पॉट्स आपको कहाँ पे मिले हैं? हड़प्पा के अंदर मिले हैं और कालीबंगन के अंदर मिले हैं। ये चीज़ें इनफैक्ट किसके लिए यूज़ होती थी? परफ्यूम बॉटल्स के लिए, परफ्यूम बॉटल्स के लिए आपको दिख जाएगी सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो क्या हम लोग ये मान सकते हैं और क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि इनके द्वारा जो भी चीज़ों का निर्माण किया गया है सर, ठीक है, वो लिमिटेड एरिया में है। गोल्ड के अंदर मैंने आपको बताने की कोशिश की, एक तो हमको पता चलता है कि रेयर अवेलेबिलिटी है, पर जहाँ मिला है वो लार्ज क्वांटिटी में मिला है। लार्ज क्वांटिटी का मतलब ये है कि एक ही जगह के ऊपर किसी ने बहुत सारा सोना इकट्ठा करके रखा है, मतलब किसी के घर के अंदर से निकला है, कोई बिल्डिंग के अंदर से निकला है। तो क्या हम लोग ये मान सकते हैं कि ये घर और ये जो बिल्डिंग है वो उस टाइम के कोई धनिक राजा का या उस टाइम का कोई व्यापारी होगा, नगर शेठ होगा, उसका बिल्डिंग होगा? कैन वी कम टू अ कंक्लूजन दैट दैट बिल्डिंग कैन बी आई वुड से बिलोंगिंग टू अ पर्सन हु इज रिच, अ पर्सन हु इज एक्चुअली आई वुड से जो काफ़ी मालदार होगा सर, ठीक है ना, धनवान होगा सर, समझे कि नहीं समझे? क्योंकि एक ही व्यक्ति के घर पे और बहुत बड़ी मात्रा में मिला है, या वो सोनार होगा, ही माइट बी ए गोल्ड स्मिथ एज वेल, खैर। बट क्या हम लोग ये लग्जरीज के बेसिस के ऊपर से, क्या हम लोग ये बरियल के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर से इतना तो कंक्लूजन ला सकते हैं कि इनके बीच में सोसाइटल डिफरेंसेस तो हुआ करते थे, इनके बीच में प्रोमिनेंटली सोसाइटल डिफरेंसेस तो हुआ करते थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, देयर वर इंस्टेंसेज ऑफ सोशल डिफरेंसेस, दैट इज वेरी मच क्लियर इन दिस इंडस सिविलाइजेशन। हाउ द सोशल डिफरेंसेज वर देयर वी आर एक्चुअली नॉट श्योर। देयर वॉज एन हायरार्की, वो भी कन्फर्म है क्योंकि इकोनॉमी और हायरार्की दोनों साथ में चलती है। देयर वॉज अ ट्रेडिंग क्लास एज वेल एंड देयर वॉज अ क्लास जो ये चीज़ें बनाता था, ये जो फाइंस के आपने देखे हैं या माटी के बर्तन देखे हैं या ईंटों को देखा है या गोल्ड की ज्वेलरी देखी है, इसको बनाने वाला भी क्लास होगा ना, देयर माइट बी अ क्लास ऑफ पीपल जो इसको मैन्युफैक्चर करता होगा। तो जब हम लोग मोटे मोटे तौर के ऊपर इन सब को देखते हैं, व्हेन वी स्टडी ऑल दिस पीपल एंड व्हेन वी स्टडी द होल पिक्चर, तो हम इतना तो पॉइंट्स के ऊपर, कंक्लूजन के ऊपर आ ही सकते हैं कि यार हड़प्पंस ने अलग अलग प्रकार के ज्वेलरी का यूज़ किया है सर। आप देखिए ये बीड्स है, दिस बीड्स वर एक्चुअली यूज इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, समझ में आ रहा है आपको? हाँ, आप देखोगे तो आपको इस प्रकार के वेट्स दिखेंगे, ये वेट से ये लोग यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश कर रहे थे वेट्स एंड मेजर्स के अंदर, वेट्स एंड मेजर्स, समझ में आया आपको सर, गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे देखोगे तो आपको ब्लेड दिख रही है सर, कैन यू सी द ब्लेड ओवर हियर सर, ठीक है। तो ये जो ब्लेड है, ये ब्लेड भी इनफैक्ट क्या दर्शा रही है, गेटिंग माय पॉइंट, अलग अलग चीज़ों के उत्पादन के लिए यूज हो रही है। तो आप इनकी प्रोडक्शन की टेक्निक को देखिए, जिसके पास अवेलेबल है उसको देखिए, तो मैं कहूँगा कि सोसाइटी तो थी,
सोसाइटी में किस प्रकार के डिफरेंसेस थे वो हमको इनकी मटेरियलिस्टिक एविडेंसेस के ऊपर से पता चले। मटेरियलिस्टिक एविडेंसेस का मतलब ये है कि इनके पास क्या क्या चीज़ें मिल रही है, क्या क्या चीज़ें नहीं मिल रही है। तीसरा पॉइंट, सोसाइटी के अंतर्गत क्या देखने को मिला, वी सी दैट कुछ कुछ चीज़ें कॉमन थी सबके लिए, जिसे हम लोग यूटिलिटेरियन कहते हैं। यूटिलिटेरियन का मतलब क्या है, विच इज़ अवेलेबल फॉर ऑल द पीपल एंड दिस इंक्लूड द स्पिंडल वॉल, दिस इंक्लूड्स द पॉटरी नीडल्स एंड द फ्लैश रबर, जो बॉडी स्क्रब के लिए यूज़ करते थे अपने आप को घिसने के लिए नहाते धोते समय, सर ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों के बेसिस के ऊपर से हम कह सकते हैं कि भाई इनके पास कुछ लग्जरीज मटेरियल थे, इनको बरियल में भी यूज़ होता था। खैर बरियल में सब जगह पे लग्जरी मटेरियल को इन्होंने दफनाया नहीं, ओवरऑल प्लेन बरियल ज़्यादा दिखेंगे सर। और इनके बेसिस के ऊपर से हम लोग कंक्लूड करेंगे कि यस देर वॉर सोशल डिफ्रेंसिएशन, यस देर वॉज अ क्लास विच वॉज रिच एंड देर वॉज अ क्लास विच वॉज इकोनॉमिकली आई वुड से मीडियम क्लास और मिडिल क्लास, बट वी डू नॉट गेट एनी पुअर क्लास, वी डू नॉट गेट इंस्टेंसिस ऑफ एनी पुअर क्लास। क्यों नहीं मिलते हैं, क्योंकि शायद स्टेट वेलफेयर स्टेट का काम करता होगा यहाँ पे। यहाँ पे जो शासक है वो वेलफेयर स्टेट का काम करते होंगे, और वेलफेयर स्टेट का काम कर रहे थे इसके लिए शायद आपको पुअर क्लास का कंसेप्ट ना मिले। गेटिंग अपॉन, क्योंकि सबके घरों के वहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए, सबके घर पे हमको मिल रहा है कॉमन चीज़ें। क्या मिल रही है, क्वांस पॉटरी नीडल्स एंड फ्लैश रबर्स आर यूजली फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट ऑल द सेटलमेंट्स, जितने भी शहर हो गए छोटे हो या बड़े हो। तो ये तो जीवन जरूरियात चीज़ थी उनके लिए। अब ये चीज़ जीवन जरूरियात है तो क्या हम लोग इतना तो मान सकते हैं ना कि यहाँ के जो लोग थे इसको कोई प्रोवाइड करवाने वाला था। तो एक रिच क्लास था जिसके पास कुछ ज़्यादा ही चीज़ें थी, गोल्ड की थी या फाइंस जैसी पत्थर की चीज़ें मिल जाएगी, बीड्स दिख जाएंगे आपको, शेल रिंग्स दिखेगी, मैंने आपको बताया अंगूठी टाइप था, अंगूठी के ऊपर पत्थर लगे थे अलग अलग प्रकार के कलरफुल स्टोन्स, है ना। तो इन सब के बेसिस के ऊपर से हम लोग ये कह सकते हैं कि इनके यहाँ पे सोसाइटी का सोशल डिफरेंशिएशन था। पर सोशल डिफरेंशिएशन कैसा था उसके ऊपर मोटे मोटे तौर के ऊपर कंक्लूजन ओपन एंडेडली हम लोग नहीं बांधेंगे सर, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब हम लोग इंडस सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसके छठे पॉइंट के ऊपर जाएंगे, वो है कि इनकी सोसाइटी कैसी हुआ करती थी, तो हम लोग कह सकते हैं कि देर वॉज सोशल डिफरेंशिएशन एंड देर वॉज अ क्लास हायरार्की, उसमें कोई दो मत नहीं है सर, ठीक है। प्लीज़ बी श्योर कि देर वॉज सोशल हायरार्की, देर वॉज सोशल डिफरेंशिएशन, बट उसमें डिटेल कैसी है वो हमको नहीं पता है, अच्छी बात है। वी आर नॉट एबल टू कंक्लूड इन अ डिटेल्ड वे कि इसमें डिफरेंशिएशन कैसा हुआ करता होगा, इनके बीच में डिफरेंशिएशन कैसा हुआ होता होगा सर, ठीक है। पर था सही कैसे बेसिस के ऊपर, बेस्ड ऑन दी बरियल्स, वी गॉट सम आर्टिफैक्ट्स और सेटलमेंट स्टडीज। सेटलमेंट स्टडीज का मतलब यह है कि इनके जो सेटलमेंट का अभ्यास किया गया उनके बेसिस के ऊपर से पता चल गया कि यार ये कुछ कुछ चीज़ें इनफैक्ट है ना क्वांटिटी में रखे थे एक जगह के ऊपर, एक कोने में, एक गांव के अंदर। वो सेटलमेंट स्टडीज़ के अंदर मैंने आपको बताया कि गोल्ड के एविडेंसेस है, और इन्हीं के बेसिस के ऊपर से मोटा मोटा हम लोग ये कह सकते हैं कि इनके सोशल डिफरेंसेस कैसे हुआ करते थे सर, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जब हमने क्लास को शुरू किया था तो इसमें हमने आपको बताने की कोशिश की थी कि ये लोग अपना जीवन कैसे जीते होंगे, और अपने जीवन के अंतर्गत इनफैक्ट हमने आपको ये भी बताने की कोशिश की थी कि इनका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ होगा, और साथों साथ हमने आपको ये भी बताया कि इन लोगों के अंतर्गत सामाजिक रचना कैसे थी सर, ठीक है। आज हम लोग यहाँ तक रखेंगे, वी हैव कवर्ड अ पॉइंट नंबर 4, वी हैव ऑल्सो कवर्ड अ पॉइंट नंबर 10 एज वेल, इसकी डिस्कवरी तो पहले क्लास में करवा दी थी। अब आगे के क्लास में जब मैं आपको लेके जाऊँगा, व्हेन आई विल बी गोइंग फॉर द फर्दर क्लासेस, तो मैं आपको
ये हड़प्पीय सभ्यता के अंतर्गत व्यापार कैसे होता था और ये लोग क्राफ्ट प्रोडक्शन के अंदर बहुत एक्टिव हुआ करते थे। मैंने अभी आपको बीड्स के फोटोग्राफ दिखाए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इनफेक्ट है ना ब्लेड्स दिखाई सर, ये लोग इतनी सारी ज्वेलरी पहनते होंगे। तो ये कौन बनाता था? हु यूज टू मेक दिस क्राफ्ट, हु इज टू मेक दिस ज्वेलरी, हु इज टू मेक दिस ब्रॉन्ज इमेजेस? आपने देखा होगा कांसे की बहुत सारी इमेजेस दिखती है, ब्रॉन्ज आर्ट, ये कौन बनाता था और किस तरह से ये लोग मटेरियल कहीं से लेके आते थे, किस तरह से ये लोग अपना व्यापार चलाते थे और इनके बेसिस के ऊपर इनकी इकोनॉमी कैसे चलती है, हड़प्पन इकोनॉमी, उसके ऊपर चर्चा करूँगा विस्तृतपण से। 1.5-2 घंटे के बीच का एक लेक्चर रहेगा। अब से हम लोग ट्राई करेंगे कि 2 घंटे के आसपास का सेशन रखें, पर मिनिमम 1.5 घंटा तो हम लोग ट्राई करेंगे सर, ठीक है? क्योंकि मैं थोड़ा टेस्ट मैच का खिलाड़ी हूँ, आपको पता चल गया होगा कि टॉपिक का जो फाउंडेशन है वो बिल्टअप करने में थोड़ा टाइम लगाता हूँ मैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब आप इसको बिल्टअप करके एनालिसिस करके निकालोगे ना चीज़ों को, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत बढ़ेगी और फिर लॉन्ग टर्म के अंदर आपका जो मैं कहूँगा कि ब्रेन है वो काम करना शुरू हो जाएगा। और जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड अटपटा सा सवाल, तो आप आराम से उसको एलिमिनेट कर पाओगे अगर आपने ये लेक्चर्स एटलीस्ट सुने भी होंगे, तो सुने होंगे हाँ, विजुअली तो याद रहे कि ना रहे वो तो सेकेंडरी है, क्योंकि वैदिक युग में श्रुति और स्मृति ये दो प्रकार की आपको इनफेक्ट है ना मेमोरीज दिखेगी या लिटरेचर दिखेगा। श्रुति लिटरेचर की खासियत ये है कि वो वर्बल मतलब ओरली ट्रांसमिट हुआ करता था, वेद, ब्राह्मणीय, अरण्यक और उपनिषद के रूप में, और उसमें से बहुत सारी नॉलेज मिली। जनरेशन्स बाय जनरेशन्स जो गुरुकुल में बच्चे पढ़ने जाते थे और जो बड़े होके इनफैक्ट आगे की जनरेशन को पढ़ाते थे, इसी तरह से इन्होंने अपनी नॉलेज को गेन किया है सर, ठीक है? मेरा भी आपके साथ यही मानना है कि आप चीज़ों को समझिए मोटे तौर के ऊपर, उसको एक मैक्रो पिक्चर के रूप में, और फिर माइक्रो लेवल के ऊपर उसका एनालिसिस कीजिए, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स के अंदर, मेंस के अंदर, तो आप आराम से फिल्टर कर पाओगे। कल मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराऊंगा, टुमारो आई विल डिस्कस अ क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, जहां मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, सुनिए मेरी बात, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर किस प्रकार से इनफैक्ट है ना जो सिटीज़ का निर्माण हुआ वो आज के प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन में हमको मदद करता है। हाउ डज द सिटीज़ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हेल्प अस इन द अर्बनाइजेशन ऑफ प्रेजेंट डे, मतलब आज के आधुनिक पीरियड के अंदर हमको किस तरह से मदद रूप करता है सर, ठीक है? तो उन सब पॉइंट्स का भी डिस्कशन करेंगे और कल हम लोग इसके क्राफ्ट प्रोडक्शन के ऊपर, इसके टेक्निक के ऊपर चले जाएंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से चीज़ों का निर्माण किया इन्होंने और किस तरह से व्यापार चलता है, क्योंकि व्यापार चलेगा तो ही अर्बनाइजेशन होगा, व्यापार नहीं होगा तो अर्बनाइजेशन भी नहीं होगा सर, ठीक है? तो आज इतना ही रखते हैं, हम कंक्लूड करते हैं आज के सेशन को। थैंक यू वेरी मच फॉर योर एक्नॉलेजमेंट एंड योर पेशेंस फॉर बेयरिंग दिस लेक्चर्स, क्योंकि इसका मैं फाउंडेशन बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसका फाउंडेशन आपका इतना स्ट्रांग रहे कि जब आप एडवांस लेवल की तैयारी करो तो उसमें से 50-60% तो आपके फाउंडेशन के द्वारा कवर हो जाना चाहिए। तो एडवांस लेवल के ऊपर आपको कुछ कुछ चीज़ें ही आपको एक्स्ट्रा पढ़नी होगी, खास करके जो फैक्ट है, कुछ कुछ प्रकार के क्वेश्चंस है जो स्पेसिफिक यूपीएससी अलग लेवल से पूछता है सर, पर मोटी मोटी कंसेप्चुअल तैयारी आपकी यहाँ यूट्यूब के ऊपर ही मैं करवा दूंगा। फिर उसके बाद आप रामशरण शर्मा की किताब पढ़िए या और भी पब्लिकेशंस की कोई भी किताब पढ़ोगे सर, ठीक है? उसमें आपको पूरा आइडिया रहेगा कि अच्छा ये चीज़ ये क्या कहना चाहता है और इसको कैसे याद रखा जा सकता है सर, ठीक है ना? तो ये पूरी कहानी थी मेरे द्वारा इतिहास को समझाने के लिए। आज यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म और मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलूंगा, तब हड़प्पन आर्ट्स के ऊपर डिस्कस करूंगा, हड़प्पन की स्ट्रेटजीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा और किस तरह से ये लोग ने ट्रेड एंड कॉमर्स को इनफैक्ट डेवलप किया और फार अवे एरियाज़ के अंदर ट्रेड एंड कॉमर्स लेके गए, कितने फार अवे एरियाज़ आप समझोगे तो दैट विल बी मोर देन द प्रेजेंट डे आई वुड से इराक, मेसोपोटेमिया के साथ, या आपको मगन, ओमन के साथ, दिलमून, बहरेन के साथ, है ना, इन सब विस्तारों में, अफगानिस्तान, शोटुगाई, इन सब विस्तारों में इनका व्यापार चलता था। और ये व्यापार दर्शाता है कि ये कितने एडवांस लोग थे सर। आप समझने की कोशिश करिए कि जब आगे के क्लासेस के अंदर हम लोग जाएंगे, देन वी विल बी गोइंग फर्दर
इन द क्लासेस, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि इनके द्वारा जो इनफैक्ट चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ है, और जो डेवलपमेंट के अंतर्गत जब हम लोग इंडस सिटीज़ को देखते हैं या इंडस ट्रेड एंड कॉमर्स को देखते हैं, व्हेन वी ट्राई टू सी द इंडस ट्रेड एंड कॉमर्स, तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि इनके ट्रेड एंड कॉमर्स के अंतर्गत खासियत क्या थी सर, गेटिंग माय पॉइंट, और ये किस तरह से अलग अलग विस्तारों के साथ व्यापार किया करते थे सर, हाउ दे यूज्ड टू ट्रेड विद द फॉरेन लैंड्स। सो कल मैं जब आऊँगा तो आपको पढ़ाऊँगा कि द पीपल फ्रॉम लोथल एक्चुअली इज टू टेक द बोट एंड दे इज टू गो टू द मगन एंड दे इज टू गो टू दिलमुन एंड दे इज टू गो टू दिस रीजन, दे इज टू गो टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड दे इज टू गो टू अफगानिस्तान सर, ठीक है ना। इन सब रीजन में इनका व्यापार होता था। बहुत इंटरेस्टिंगली ये व्यापार किन चीज़ों का होता था सर, ये ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे करते थे, किस किस तरह से इनकी प्रोडक्शन होती है अर्बनाइजेशन के अंदर, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कौन सी साइट से हमको क्या मिला है। क्योंकि हड़प्पन्स का जो क्राफ्ट प्रोडक्शन है, ये क्राफ्ट प्रोडक्शन ही उनको इकोनॉमिकली एडवांस करवा के गया, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड जो डेवलपमेंट है वो एग्रीकल्चर बेस्ड डेवलपमेंट आपको ग्रोथ नहीं दिलाएगा, एक हद के बाद एग्रीकल्चर बेस्ड उसमें इकोनॉमी और डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। तो आप जब चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहे हो, और जब इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन होता है तो इसका भी ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा, और इसका जब ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ता है तो हम लोग ये मान सकते हैं कि इसके कारण इनको आर्थिक रूप से बहुत, मैं कहूँगा कि प्रॉस्पेरिटी मिली, और इनको जब आर्थिक रूप से जब प्रॉस्पेरिटी मिलती है, दिस लेड टू अ कंडीशन, इनको जब आर्थिक रूप से जब प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, दिस लेड टू अ कंडीशन वेयर वी सी द इंस्टेंसेस ऑफ द अर्बनाइजेशन टेकिंग प्लेस, एंड इसी के कारण उसको हम लोग अर्बन रिवॉल्यूशन के रूप में भी पहचानते हैं सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो लंबा टॉपिक है, इट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक टू बी डिस्कस्ड, एंड मेरे को मानना है कि हम वन या टू टॉपिक्स अ टाइम करेंगे, उसके ऊपर बहुत ही डिटेल डिस्कशन करेंगे, ऐसा नहीं कि मोटा मोटा ऊपर छल्ला सुपरफिशियल स्टडीज जिसे आप करते हो वो नहीं करेंगे सर, ठीक है ना। तो आज यहाँ पे रखते हैं, लेट्स कंक्लूड द क्लास टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट, एंड आप पढ़ के आइए यही टॉपिक्स को, पूरी किताब को पढ़ लोगे तो भी चलेगा, तो आपका रिविजन भी होता रहेगा। चलिए सर, बाय एंड बेस्ट विशेज टू ऑल ऑफ यू।